राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे। भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो, राम राज हो, राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओ
ज्ञातिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदि मा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतघृष्ण्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजक्राः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आइए भक्तजनों, एक बार पुनः हम आपकी अपनी हम सब की ओर से मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्तजनों, सच कहें तो आप बहुत अच्छे श्रोतागण हैं। हम देख रहे हैं पिछले पांच दिवसों से आप प्रभु की इस कथा को बड़ी ही एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं, आपने उस पद को सुना है, मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बात तो सही है, पर हमारा प्रश्न ये असली नहीं था। हमारा असली प्रश्न तो ये है कि इस पद की रचना किसने की थी, हु वॉज द लिरिसिस्ट, इस पद को लिखा किसने था, कोई जानता है? अरे कृष्ण भक्त हो और कृष्ण भक्त को ही नहीं जानते, क्या बात है। हाँ जी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो इस पद की रचना की थी संत शिरोमणि सूरदास जी ने। और वहीं पर रामचरित मानस की अनूठी सी चौपाइयां वो किसने गुनी, तुलसीदास जी ने। देखिए, सूरदास तुलसीदास हैं दोनों दास, पर किस किस के, एक भगवान श्री राम का और एक बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया का। कहते हैं एक बार काशी में गंगा किनारे इन दोनों ही भक्तों की भेंट हो गई। अब भक्त हैं, लगे अपने अपने प्रभु की महिमा का गुणगान करने। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम की खुलकर महिमा गाई, खूब बखान किया। तो वहीं पर सूरदास जी, उन्होंने भी अपने बाल गोपाल की महिमा को जी भर के गाया, जी भर कर उनका गुणगान किया। करते करते एक समय ऐसा आया जब तुलसीदास जी ने डिक्लेयर कर दिया, राम नाम सो बढ़कर कछु ना जग माही, कि राम नाम से बढ़कर इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में और कुछ है ही नहीं। सूर ने सुना, अरे 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 ऐसा कैसे, श्याम नाम पंगोगिरी लांघे, मेरे श्याम का नाम भी किसी से कम नहीं। तुलसी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो अभी प्रमाणित कर लेते हैं। एक बड़ा सा तराजू मंगाया गया और दोनों अपने अपने प्रभु का नाम लेकर एक एक पलड़े में बैठ गए। शर्त थी कि जिस ओर का पलड़ा झुका बस उसी के प्रभु का नाम बड़ा।
बता सकते हैं किस और का पलड़ा झुका होगा? किस और का झुका भाई? नहीं पता, हम बताते हैं। तुलसीदास जी की ओर का पलड़ा झुक गया और इधर सूर उनका सर झुक गया। मुंह फुलाते हुए गुस्सा आया, पैर पटकते हुए अपनी कुटिया में वापस लौट आए। सारे झाल मंजीरों की एक पोटली बनाई, अपने शाम को उंगली दिखाई और कहने लगे, देख शाम, आज से तेरी और मेरी कट्टी। तूने भरी सभा में इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। अरे देख, आज से शाम मैं तेरे लिए नहीं गाऊंगा, सूर का तेरे लिए गाना बंद। इतना सुनना था हमारे प्रभु तो घबरा गए, दौड़े गए दौड़े। सुनो बाबा, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो, भला इसमें मेरी क्या गलती है? सूर ने कहा, और किसकी गलती? भगवान ने कहा, अरे इसमें मेरी क्या गलती, वो तो तुलसी की साइड का पलरा झुक गया, तो मैंने क्या किया? सूरदास जी ने कहा, प्रभु क्या मैं नहीं जानता आपके नाम की महिमा, फिर मेरी साइड का पलड़ा क्यों नहीं झुका? भगवान ने कहा, अरे सूर, अपने आप को देखा है, कितने दुबले पतले, कितने कृशकाय और कितने वृद्ध, और वो तुलसी कितना हट्टा कट्टा बलिष्ठ बलवान युवा। और ये बात तो छोड़ो, जरा रिवाइंड करो पूरे के पूरे सीन को और ये सोचो कि तुलसी क्या बोलकर पलड़े में बैठा था। सूर ने सोचना शुरू किया, प्रभु तुलसी ने कहा था, जय भक्त हनुमान, जय प्रभु श्री राम। प्रभु ने कहा, देखा देखा, देखिए उसकी चतुराई, अपने प्रभु के साथ साथ भक्त को भी जगह दे दी, भक्त को भी पलड़े में बिठा दिया, और तुमने क्या कहा, जय बाल गोपाल। एक तो मैं छोटा सा और उसके साथ मेरा कोई भक्त भी नहीं, मेरे किसी भक्त को मेरे साथ नहीं बिठाया, हार तो होनी ही थी ना तुम्हारी। इधर सूर का सिर फिर झुक गया, चतुर शिरोमणि से भला कौन जीत सकता था। पर भाइयों और बहनों, आज सूर को एक बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि भक्त बिन भगवान का और ना दूजा आधार, भक्त बिन भगवान का और ना दूजा आधार, भक्त प्रेम से पाइए वजन श्याम गोपाल, भक्त प्रेम से पाइए वजन श्याम गोपाल। हमारे प्रभु का नाम तो एक है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, परंतु जब भक्त हमारे प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाता है तो प्रभु का नाम भी वजन पा जाता है। ये है भक्त और भगवान का संबंध, अनूठा संबंध। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त। परंतु यहां एक बात और समझने वाली है, कैसा भक्त, भक्त किस तरह का हो? रावण जैसा, दंभी, अभिमानी, वासना से भरा हुआ भक्त हो तो सूर्य जैसा, भक्त हो तो तुलसी जैसा, भक्त हो तो हनुमंत जैसा। जानते हैं न्याय कोश में एक न्याय बड़े मार्के का है, जल तुम्बिका न्यायः। आपने नोटिस किया होगा, जो हल्की सी सब्जियां होती हैं उनकी बेलें बड़ी ही आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, परंतु जो सब्जियां भारी होती हैं उनकी बेलें भी नीचे जमीन पर रेंगती हैं। ऐसा ही होता है, और क्योंकि वो जमीन पर रेंगती हैं तो उन सब्जियों के ऊपर मोटी सी मिट्टी की परत चढ़ जाती है, बहुत मैल चढ़ जाता है। जब उन सब्जियों को पानी में डाला जाता है तो उस मिट्टी के भार के कारण वो सब्जियां नीचे पानी में डूब जाती हैं, तैर नहीं पाती। ऐसे में सब्जी वाला क्या करता है, उन सब्जियों को निकालता है और उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ कर देता है, उनकी सारी मैल को, सारी मिट्टी को उतार देता है। और जैसे ही मैल उतरती है, मिट्टी उतरती है, सब्जियां हल्की होती हैं और वो पानी के ऊपर सतह पर तैरने लग जाती हैं। ऐसा ही है, सबने नोटिस किया है, सबको पता है। भाइयों और बहनों, बस समझ लीजिए, एक भक्त की निर्माण शैली भी कुछ ऐसी ही होती है। इनिशियली एक भक्त भी एक साधारण सा जीव ही तो है, जिस पर कर्मों की, संस्कारों की, विकारों की मैल चढ़ी है, जिस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी मिट्टी के आवरण चढ़े होते हैं, इन सब विकारों से भरा होता है, और इसी कारण वो भव सागर में डूबने लगता है। परंतु फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, जब उसके जीवन में पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण होता है ना, तब क्या करते हैं वो, वही
सब्जी वाले की भूमिका को निभा देते हैं। सबसे पहले उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके मन को धो मांजकर साफ कर देते हैं। जन्मों जन्मों से जो संस्कारों विकारों की मिट्टी और मैल उस पर चढ़ गई है उसे खत्म कर देते हैं, बिल्कुल चमका देते हैं। तब एक भक्त, वो शिष्य, वो हल्का हो जाता है और भव सागर में तैरने लग जाता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर वो भक्तों की श्रेणी में आ जाता है, शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तुलसी के जीवन की गाथा कौन नहीं जानता, हम सबको पता है। मोह से आसक्ति में इतने चूर थे, आसक्ति की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तृष्णा की पट्टी आंखों पर ऐसी बंधी थी कि अपनी पत्नी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। पर सौभाग्य उस समय के पूर्ण सदगुरु नर हरिदास जी का सानिध्य प्राप्त हो गया, उनकी शरण प्राप्त हो गई। और बस फिर क्या था, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी बदल कर रख दी, पूरा का पूरा जीवन बदल गया। और फिर उन्होंने दिग्गंत हिला दिए, साधारण से तुलसी गोस्वामी तुलसीदास बन गए। सूर पिछले जन्मों के कर्मों संस्कारों की ऐसी चोट कि जन्म से ही नेत्रहीन है, पैरों में लड़खड़ाहट है, कर्मों पर बस नहीं, भक्ति में कोई रस नहीं है। रोते हैं, अपने कर्मों को याद करते हैं, विकारों को याद करते हैं, पर बलिहारी जीवन में पूर्ण सदगुरु वल्लभाचार्य जी का पदार्पण हो गया। और जैसे ही संत मिले, गुरु मिले, फिर से जीवन पलट गया, पूरी की पूरी दिशा और दशा ही बदल गई और साधारण से सूर भक्त शिरोमणि सूरदास बन गए। एग्जाम्पल्स अनंत हैं, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच एग्जाम्पल्स, हम आपको देते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे। परंतु आज समझने वाली बात यह है कि ये सदगुरु का जीवन में होना सिर्फ उस समय की बात नहीं है। सदगुरु जीवन को सिर्फ उसी समय नहीं पलटते थे, बल्कि सज्जनों आज इस समय में भी पूर्ण सदगुरु की उतनी ही आवश्यकता है। आज के समाज को जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैमनस्यों से घृणा से भरा पड़ा है, आज समाज की हालत देख रहे हैं ना, आज समाज को भी ऐसी ही दिव्य विभूति की आवश्यकता है, शरणागति की आवश्यकता है। यदि सच में भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति के रंगों में रंगना चाहते हैं, अपने जीवन को बदल देना चाहते हैं, आनंद में डूबना चाहते हैं, तो एक ही शर्त है, जीवन में संत आ जाए, जीवन में सतगुरु आ जाए। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि जाइए, खोज कीजिए एक ऐसे पूर्ण सदगुरु की। हम नहीं कहते कि आप दिव्य ज्योति में ही आए, हम नहीं कहते कि आप श्री महाराज जी की ही शरण को धारण करें, ना। हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक कसौटी देने के लिए आए हैं, पूर्ण सदगुरु वो जो दिखा दे, ईश्वर का दर्शन करा दे, जो जिंदगी पलट दे, बदल दे। जाइए, खोज कीजिए विश्व भर में, यदि कोई ऐसा संत, ऐसा सदगुरु मिल जाए जो आपको तत्क्षण जिस वक्त ज्ञान दे, ईश्वर का दर्शन करा दे, तो बस रुक जाना, ठहर जाना, उन्हीं की शरणागत हो जाना, गिर जाना। परंतु यदि कहीं ना मिले तो फिर हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए सदा सदा के लिए खुले हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों लाखों शिष्यों को ईश्वर का दर्शन कराया है और आपको भी कराने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, ये समय है, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे अपने हाथ से खोए ना, आगे बढ़ें। आज षष्ठम दिवस है, सिर्फ एक दिन शेष है, एक अपॉर्चुनिटी और है आपके पास कि इसे खोइएगा मत अपने जीवन में। आगे बढ़िए, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए और एक पूर्ण सदगुरु की शरणागत को प्राप्त कर अपने जीवन को बदल लीजिए, आनंद से भर लीजिए। तो आइए ऐसी ही प्रार्थना के साथ कि प्रभु हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएं, इस संदेश को समझ पाएं, आइए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए, श्री कृष्ण बल देव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। Mm.
परमानंदम कृष्ण नागरम जय
सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप बहुत महान भक्त हैं। अपने जीवन के अनमोल पलों में से आप समय निकालकर भगवान की कथा सुनने आए हैं। आपकी भक्ति को मेरा नमन है। एक भक्त और एक सांसारिक व्यक्ति में यही अंतर होता है। एक सांसारिक व्यक्ति सारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक केवल संसार के लिए दौड़ता है, संसार के लिए भागता है। लेकिन एक भक्त उन सांसारिक कार्यों को पूरा करते हुए वो अपने भगवान से भी अपनी लौ लगाकर रखता है। उसके जीवन में जहां संसार है वहां करतार भी है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि अब तो आप वृद्ध हो चले हैं, मृत्यु के समीप पहुंच रहे हैं, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं सताता? बाबा ने कहा नहीं, मुझे मृत्यु का भय नहीं सताता, मुझे तो किसी और बात का भय है। पूछने वाले ने बड़ी हैरानी से कहा, आपको मृत्यु का भय नहीं तो किसका भय है? तुलसीदास जी ने कहा, श्रवण घटहु पुनिदृग घटहु घटत सकल बल देहे, भले ही मेरी आंखों की शक्ति पूर्णतः रूप से खत्म हो जाए, मुझे इन कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, मैं इस मुख से एक शब्द का उच्चारण न कर पाऊं, मुझे इन सब का भय नहीं, यहां तक कि मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, बस एक भय है, मेरे प्रभु के चरणों में जो मेरा प्रेम है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। बस मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, आपके चरणों में जो प्रेम रूपी डोरी बांधी है ये सदा बंधी रहे। ऐसी होती है एक भक्त की मांग। और सज्जनों, इसी प्रेम के कारण, अपने भक्त के इसी प्रेम के कारण हमारे प्रभु खींचे चले आते हैं, वो निराकार शक्ति साकार हो जाती है। अगुन अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सोई। यही हुआ द्वापर युग में, गोप ग्वाले गोपियों का प्रेम है। मथुरा में जो मथुरा वासी हैं उनके हृदय से उठती तारनहार की पुकार है। हमारे प्रभु को इस धराधाम पर आना पड़ा और आकर अपनी अनेका अनेक लीलाओं से अपने गोप ग्वालों को, अपनी गोपियों को लाभान्वित किया और फिर चल दिए मथुरा नगरी की ओर। मथुरा में पहुंचकर कंस का अंत किया, महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, अपने माता देवकी, पिता वसुदेव को भी कारागार से मुक्ति दिलाई। वे मुक्तिदाता जिनके समक्ष उग्रसेन ने उन्हें राज सिंहासन भी सौंपा पर प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। वे बाहरी सिंहासन पर आरूढ़ नहीं हुए,
यादवों के हृदय आसन पर आरूढ़ हो गए। आज भोर हुई और इस भोर के साथ सारे मथुरा में एक उल्लास छाया हुआ है। मथुरा वासी उल्लासित हैं क्योंकि कितने समय के पश्चात उनके जीवन में हरि आए हैं, कंस के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिली है। लेकिन आज अक्रूर जी की प्रसन्नता देखते बन रही है। अपने घर को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सजा दिया है। द्वार पर उन्होंने दास दासियों को नियुक्त कर दिया है। हाथ में बड़ा सा थाल है और उसमें पुष्प है। भीतर जा रहे हैं, दास दासियों को आदेश दे रहे हैं। आम्रपत्र के तोरण बंधे हैं, रंगोली बनी है, कलश सजे हैं। आखिर अक्रूर जी ये तैयारियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस समय अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा पहुंचे, मुख्य द्वार पर उतारा, अक्रूर जी ने आग्रह किया, प्रभु मेरे घर चलिए, अपने इन श्री चरणों से मेरे घर को पवित्र कर दीजिए, नारायण पवित्र कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था, अक्रूर जी सबसे पहले हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो पूर्ण करेंगे, उसके पश्चात हम वचन देते हैं कि आपके घर में भी आएंगे। कंस का वध हो गया, अक्रूर जी को यह विश्वास हो गया कि अब हमारे प्रभु अपना वचन निभाएंगे और अब मेरे घर आएंगे। इसी भाव को मन में संजोए हुए अक्रूर जी तैयारियों में जुटे हैं। ढेरों पकवान बनाए हैं, दास दासियों को नियुक्त किया है। और जानते हो, क्योंकि हमारे कृष्ण को पीला रंग बहुत पसंद है, प्रभु के लिए आसन भी लगाया तो पीला, प्रभु के लिए हार भी मंगवाए तो पीले पुष्प के, चारों ओर घर में केवल पीला पीला रंग बिखरा दिखाई देता है, क्योंकि मेरे श्याम को ये पीला रंग बहुत पसंद है। अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जानते ही नहीं कि उधर मथुरा के राजभवन में क्या हो रहा है। हमारे कन्हैया और बलराम भैया ने आज्ञा ली कि वे सांदीपनी मुनि के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। पिता वसुदेव ने आज्ञा दी, रथ तैयार हो गया और बलराम भैया और कृष्ण आकर रथ पर आरूढ़ हो गए। रथ चल दिया मथुरा की वीथियों में से। मथुरा वासियों ने देखा, बुलंद स्वर में जय जयकार किया, बोल श्री बांके बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की, बलराम भैया की, चारों ओर प्रभु का जय जयकार हो रहा है। कन्हैया ने सारथी से कहा, सारथी रथ की गति को धीमा कर लो ताकि मथुरा वासी मुझे देख सकें और मैं अपने भक्तों को देख सकूं। धीरे धीरे रथ मथुरा की वीथियों से गुजरने लगा। प्रत्येक भक्त अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है और दूर से ही हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में प्रणाम अर्पित कर रहा है। अक्रूर जी ने जब इस ध्वनि को सुना, उन्हें लगा मेरे प्रभु आ रहे हैं, अब तो वह शीघ्र ही मेरे घर पधार जाएंगे। जल्दी से दास दासियों से कहा, तैयार हो जाओ, मेरे प्रभु आ रहे हैं। जैसे ही मेरे श्याम सांवरे यहां से आए, भीतर प्रवेश करें, तुम उन पर पुष्प वर्षा करना। और हाथ में एक बड़ी सी पुष्पों की माला को पकड़ लिया, अपने प्रभु के गले में डालूंगा। घर के बाहर खड़े हैं और दूर से देखा प्रभु का रथ आ रहा है। जो आकुलता व्याकुलता अधीरता है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ही रथ पास से गुजरा, अक्रूर जी तो देखते ही रह गए और भगवान का रथ आगे बढ़ गया। और आज उनके श्याम सांवरे ने, उनके कृष्ण ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अक्रूर जी को लगा, जरूर साथी आगे जाकर एक किनारे जाकर रथ को रोक देगा, इसलिए माला को हाथ में पकड़कर रथ की ओर देखने लगे। लेकिन देखते ही रह गए, क्योंकि रथ तो थमा ही नहीं, वो तो आगे बढ़ गया वीथियों में से निकलता हुआ। पीछे से आगे एक मथुरावासी ने कहा, अरे अक्रूर जी किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? ये घर इस तरह से क्यों सजाया है? हाथों में पुष्पों की माला क्यों थामी है? अक्रूर जी के मुख से निकला, वो मेरे प्रभु। मथुरावासी ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, हमारे कृष्ण जा रहे हैं सांदीपनी मुनि के यहाँ, अब शिक्षा ग्रहण कर ही वापस लौटेंगे। अक्रूर जी ने सुना, वो तो ठगे से रह गए। जो श्वासों की गति है इतनी मंथर हो गई, ऐसा लगा मानो निष्प्राण हो गए हों।
वहीं धरा पर बैठ गए। एक दास आया, आकर कहा, स्वामी अंदर चलिए, प्रभु तो चले गए आश्रम की ओर, अब आप अंदर आइए। अपने आप को संभालते हुए अक्रूर जी अपने घर में प्रवेश करते हैं, कक्ष में आते हैं। वो कक्ष जो उन्होंने अपने प्रभु के लिए तैयार किया था, जहां अपने प्रभु को बिठाना था, अपने प्रभु को भोजन करवाना था। अक्रूर जी दौड़ते हुए गए और सिंहासन जो कृष्ण के लिए सजाया था उसके पास जाकर नीचे बैठ गए। अपने प्रभु को स्मरण करते हुए कहते हैं, प्रभु मानता हूं कि मथुरा का राज सिंहासन आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मेरा ये सिंहासन तो स्वीकार कर लेते प्रभु, इस अक्रूर से ऐसी क्या भूल हो गई प्रभु कि आपने अपना एक वचन तो पूरा किया लेकिन दूसरा वचन पूरा नहीं किया। मैं तो सुबह से आपके आने की तैयारी कर रहा था प्रभु, मैं तो कब से आपकी बाट जो रहा हूं प्रभु, बताइए ना श्याम सावरे मुझसे कहां भूल हो गई, कहां भूल हो गई। रोते बिलकते हुए अपने नेत्रों को बंद किया तो वह वृंदावन के दृश्य सामने आने लगे। कैसे यशोदा मैया रो रही थी, गोप ग्वाले रो रहे थे, अक्रूर जी को याद आया कि जिस समय कृष्ण मेरे रथ पर आकर बैठे, गोपियों ने आके रथ के पहिए को पकड़ लिया था। एक गोपी ने तो आकर मुझसे कहा था, आप अक्रूर नहीं, आप क्रूर हो, क्रूर, आप हमारी आत्मा को हमसे छीन कर ले जा रहे हो, आप हमारे कृष्ण को हमसे अलग कर रहे हो। दूसरी गोपी आई, कहने लगी, अक्रूर जी जिस प्रकार से आज हम रुदन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज हम अपने प्रभु से विलग होने का दुख भोग रहे हैं, एक दिन आप भी इसी दुख को भोगोगे, तब आपको ये ज्ञात होगा कि वृंदावनवासी अपने कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। अक्रूर जी के स्मृतियों में जैसे ही वृंदावन के ये दृश्य उभरे, नेत्र खोले, हाथ जोड़े, कहने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं क्रूर हूं, क्रूर हूं प्रभु, क्रूर हूं, मैं यशोदा के लाल को अपने संग लेकर आ गया, मैं नंद बाबा की लाठी लेकर आ गया, मैं गोप ग्वालों के मित्र को लेकर आ गया, मैं गोपियों की आत्मा को लेकर आ गया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है प्रभु, मैं पापी हूं, पापी, जो पीड़ा वृंदावन वासी भोग रहे हैं आज उसी पीड़ा को मैं भी भोग रहा हूं प्रभु, मैं भी भोग रहा हूं, आपके दर्शन के बिना प्रभु नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, लौट आइए प्रभु, लौट आइए। तुझ बिन
प्रभु मुझे दर्श दिखा दो, बिन तेरे बेचैन जिया को न चैन, तुझ बिन आए जिया अपने प्रभु को पुकार रहे हैं अक्रूर जी, उनके दर्शनों के लिए आकुल और व्याकुल हो रहे हैं अक्रूर जी। ना तो प्रभु ने जाते हुए उनकी ओर देखा और ना ही अक्रूर जी से कुछ कहकर गए। ना जाने प्रभु अब शिक्षा लेकर कब लौटेंगे, इतने दिन उनकी प्रतीक्षा कैसे करूंगा। कम से कम जाते हुए बता तो जाते अब मैं जा रहा हूं, कम से कम एक बार मेरी ओर देख तो लेते। मेरे श्याम इतने निष्ठुर कैसे हो गए,
वो तो तारनहार है, तारनहार तो हमारा उद्धार करने आया है, सबको हंसाने सबको प्रेम देने आया है। फिर मेरे जीवन में ये दुख ये विरह क्यों प्रभु क्यों? अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अक्रूर जी अपने दिनों को व्यतीत करने लगे हैं। हर घड़ी हर पल केवल एक आशा मन में रहती कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, वो समय कब आएगा, इसका अक्रूर जी को ज्ञान नहीं। रक्त जो इस देह में बहता है, ऐसा लगता है अब उन धमनियों में रक्त नहीं, प्रेम रस बह रहा है। सोते जागते उठते बैठते हैं अक्रूर जी केवल शाम का स्मरण करते हैं, केवल अपने प्रभु को याद करते हैं। दिन पे दिन व्यतीत होने लगे, और इस प्रकार 64 दिन व्यतीत हो गए। इन 64 दिनों में हमारे प्रभु ने सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा को पूरा कर लिया। कुछ दिन बीते होंगे, वापस लौट आए मथुरा नगरी। अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि हमारे प्रभु वापस लौट आए हैं। आनंद से भर गए कि अब अपने प्रभु को देखूंगा, राजभवन जाऊंगा, अपने प्रभु का दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलकर आऊंगा। लेकिन इससे पूर्व अक्रूर जी मथुरा के राजभवन में जाते, कन्हैया ने दाऊ से कहा, उधो से कहा, उधो चलो हमें किसी के घर जाना है। उधो ने कहा, प्रभु किसके यहाँ जाना है? कन्हैया ने कहा, चलो तो सही। दाऊ को संग लिया, उधो को संग लिया और पहुंच गए अक्रूर जी के यहाँ। अक्रूर जी अपने घर में बैठे हैं। कन्हैया ने बड़े स्नेह से आवाज लगाई, काका काका काका। स्वर को सुनते ही अक्रूर जी को ये ज्ञात हो गया कि मेरे प्रभु आए हैं। दौड़ते हुए गए द्वार की ओर, देखा सामने कन्हैया खड़े हैं, दाऊ खड़े हैं, उधो खड़े हैं। अपने प्रभु का दर्शन कर उनके चरणों में गिर गए अक्रूर जी, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, कहने लगे, आइए प्रभु आइए, कितना लंबा समय बीत गया है, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु, कब से? भगवान श्री कृष्ण इससे पूर्व अक्रूर जी के कक्ष की ओर जाते उनकी बगिया में पहुंच गए। एक छोटा सा पौधा था जो अपने जड़ से अलग हो चुका था, टूटा पड़ा था। कृष्ण बैठ गए धरा पर और उस पौधे को उठा लिया। अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी देख रहे हैं इस पर कितने पुष्प लगे हैं और कितनी ऐसी कलियां हैं जो अभी चटकी भी नहीं, क्या किया जाए? क्या इसमें से केवल बीज निकाल कर उसे भूमि में रोप दूं या इसे वापस लगा दूं? अक्रूर जी को समझ नहीं आया कि आज मेरे प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु ये एक लंबी यात्रा करके आया है, अगर आप इसे पुनः मिट्टी में लगा देंगे और फिर से पानी और खाद देंगे, ये फिर से पल्लवित होगा और वृक्ष बनेगा। इसकी जो पुरानी यात्रा है वो असफल नहीं होगी। कन्हैया ने क्या किया, जैसा अक्रूर जी ने कहा उसे वापस मिट्टी में लगा दिया। और फिर अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी यही तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप अपनी भक्ति यात्रा में कहीं आगे निकल आए हैं और उस भक्ति को पूर्णतः तक ले जाने के लिए विरह का ताप देना भी जरूरी था, इसलिए आपके जीवन में ये विरह के क्षण आए जो आपकी भक्ति को पल्लवित करेंगे, पोषित करेंगे। अक्रूर जी ने सुना, फिर से प्रभु के चरणों में गिर गए, बारंबार प्रणाम किया और प्रभु को कक्ष में लेकर आए, आसन पर बिठाया, बड़ा सा थाल लेकर आए, प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया उन्होंने और उसी चरणामृत का सेवन किया अक्रूर जी ने, और स्वयं के जीवन को धन्य धन्य कर लिया। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु इस अक्रूर की केवल यही कामना है, हम तो सदैव सांसारिक लोग संसार के बंधनों में बंधे होते हैं, हे नारायण दया करना,
कि हम आपके प्रेम में बंधे रहें, कभी आपकी प्रीति की डोर हमसे टूटे नहीं, प्रभु हम पर दया करना। कन्हैया कहने लगे, अक्रूर जी, प्रीति की इसी डोर में बांधने तो आया हूँ, क्या मेरा सहयोग करोगे, क्या मेरी आज्ञा का पालन करोगे? कन्हैया ने जैसे ही यह कहा, अक्रूर जी सज हो गए, हाथ जोड़ लिए, घुटनों के बल बैठ गए, कहने लगे, प्रभु आप बताइए, आप आज्ञा कीजिए, मुझे कौन सा कार्य करना है, मैं आपकी आज्ञा को पूरा करने के लिए आपकी सेवा में सज्ज हूँ प्रभु। उस समय कन्हैया कहते हैं, अक्रूर जी जाइए, हस्तिनापुर जाइए, मेरी बुआ कुंती और उनके जो पांचों पुत्र हैं पांडव, उनका कुशल समाचार लेकर आइए। अक्रूर जी ने सुना, कहने लगे, बस प्रभु यही आज्ञा? कन्हैया कहने लगे, हाँ हाँ यही आज्ञा, अभी आप इस सेवा को पूर्ण कीजिए, आने वाले समय में आपको और भी सेवा मिलेगी, और भी आज्ञाएं मिलेंगी। अपने प्रभु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए तैयार हो गए अक्रूर जी और हस्तिनापुर पहुंच गए। जाकर जो कार्य प्रभु ने दिया था, कुशल समाचार लेकर आना था, वो लेकर आए। संपूर्ण जीवन अक्रूर जी प्रभु की सेवा में सज रहे, प्रभु की सेवा में तत्पर रहे। एक सच्चा भक्त क्या होता है, वैसा भक्त बनने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। कभी कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, सदैव कृष्ण की भक्ति से जुड़ा रहूं, सदैव कृष्ण का ध्यान सुमिरन कर सकूं, ऐसा प्रयास अक्रूर जी ने सदैव किया। सज्जनों, अक्रूर जी की गाथा और भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रति प्रेम सोचने को विवश करता है, प्रभु क्या कभी आप हमसे भी ऐसा प्रेम करेंगे, क्या कभी आप हमें भी अपनी आज्ञा देंगे, क्या आप हमें भी अपनी सेवा का अवसर देंगे? आता है ऐसा मन में कि हम भी अपने बांके बिहारी की सेवा कर पाएं, अपने प्रभु को प्रसन्न कर पाएं? बताइए, आता है किसी के मन में? आता है? अपने प्रभु का कार्य करना, प्रभु की आज्ञा को पूरा करना, उनकी सेवा करना, उनका सेवादार बन जाना, आता है? कैसे होगा? हमारा जीवन भक्तों जैसा कब बनेगा? हम कब अक्रूर जैसे बनेंगे? हम कब गोप ग्वाले व गोपियों जैसे बनेंगे? जानते हो कब बनोगे? जब हमारे जीवन में चार कृपाएं पूरी उतर जाएंगी, तब बनेंगे। आप कहेंगे, चार कृपाएं? हमने तो सुना है भगवान की कृपा होती है, ये चार कृपाएं कौन सी होती हैं? पहली कृपा होती है ईश कृपा। ईश कृपा यानी भगवान की कृपा। आपसे पूछती हूं, बताइए भगवान की कृपा किसे कहते हैं? एक घर बना हुआ है, दूसरा घर बन जाए, उसे कहते हो भगवान की कृपा? एक गाड़ी घर में खड़ी है, दूसरी गाड़ी भी आ जाए, उसे कहते हो भगवान की कृपा? किसे कहते हो? पूछते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से। कितना स्पष्ट लिखा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है हमें ये मानव तन दे देना। ये जो मानव तन आप सबको मिला है, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया इस मानव तन को। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, आप ये मानव तन दे दो, ये चोला दे दो, और किसी भी जीव जंतु, किसी भी पशु पक्षी का जो देह है वो ले लो, क्या ये एक्सचेंज ऑफर आपको पसंद है? कैसा करना चाहोगे? करना चाहोगे? एक्सचेंज ऑफर है, ले लीजिए। क्या कर रहे हैं इस मानव तन का? इसे हमें दे दीजिए, और बदले में जो भी जीव जंतु, जो भी पशु पक्षी, जिसकी भी काया लेना चाहते हैं, ले लीजिए। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है? नहीं लेना चाहता कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि मानव तन बड़ा महान है, मानव तन की बहुत महानता है। लेकिन पूछिए अपने आप से, क्या जिस कारण के लिए मानव तन मिला, क्या हमने वो वैल्यू उसकी कर ली? जिस काम के लिए मिला था, जिस लक्ष्य के लिए मिला था, क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया? हमारे पास भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति
भगवान से मिलने का साधन ये मानव तन है, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, हम इसकी वैल्यू नहीं करते। जिस भगवान की ओर बढ़ना है वो इसका उपयोग हम नहीं करते। मानव तन साधन है भगवान तक पहुंचने का, लेकिन हमने उस साधन का उपयोग नहीं किया, हमने उसका दुरुपयोग किया और इस संसार में उलझे रह गए। सज्जनों, ये मानव तन मिला है भगवान की भक्ति के लिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवता भी तरसते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को पाने का, मुक्ति को पाने का ये माध्यम है, ये साधन है। क्या हमने वो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग पाया? क्या हमने समझा कि इस मानव तन की क्या वैल्यू है? नहीं सज्जनों, भगवान से अनेका अनेक प्रार्थनाएं कर हमें ये देह मिली है। न जाने कितनी योनियों में भटके हैं और तब जाकर हमें ये काया मिली, ये साधन मिला, लेकिन हम तो इसका सदुपयोग नहीं कर पाए। इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये ईश कृपा है। दूसरी कृपा है वेद कृपा। वेद कृपा यानी शास्त्र ग्रंथों का जीवन में आना। धन्य है हम लोग कि हमें भारत भूमि पर जन्म मिला है, क्योंकि भारतवासियों के पास शास्त्र ग्रंथों के रूप में, वेद उपनिषदों के रूप में महान ग्रंथ हैं। सज्जनों, वेद भगवान की वाणी है और जो संत महापुरुष हैं उनके द्वारा जो अंतर जगत में देखे गए एक्सपीरियंसेस हैं, उससे शास्त्र ग्रंथ हमें मिले हैं। क्यों? ताकि हमारा मार्गदर्शन हो, हमें एक रास्ता मिले। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी भूमि पर जन्म मिला जहाँ इतनी बड़ी संपदा थी शास्त्र ग्रंथों के रूप में। किसी ने विवेकानंद जी से पूछा विदेश की भूमि पर कि आपके भारत की स्थिति इतनी दयनीय व शोचनीय क्यों है? विवेकानंद जी ने कहा, किसी के पास बंदूक हो लेकिन उसे चलानी ना आती हो तो उस बंदूक का कोई फायदा नहीं। फिर शत्रु आएगा, वो व्यक्ति बंदूक भी निकालेगा तो उसे मार नहीं पाएगा, उस बंदूक का लाभ कुछ नहीं। हम भारतवासियों के पास निस्संदेह शास्त्र ग्रंथों की अनमोल संपदा है, लेकिन इस संपदा को यूज कैसे करना है हमें ये नहीं आता। क्षमा करें, अगर हमारे शब्दों से ठेस पहुंचती है। सज्जनों, हमने ग्रंथों को केवल लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। सुबह होती है, शाम होती है, माथा टेकते हैं, चले जाते हैं। क्या इसके द्वारा उन ग्रंथों में जो मार्गदर्शन लिखा है, क्या वो हमें मिल जाएगा? क्या केवल मात्र इनकी कथा कहानियों को सुनने से आपका जीवन भक्त जैसा बन जाएगा? नहीं बन सकता, क्योंकि केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर सुनोगे, मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे तो कभी लाभ नहीं प्राप्त कर पाओगे। श्रवण कुमार का नाम सुना है? श्रवण कुमार का नाम सुना है आप लोगों ने? नाम से ही पता चलता है कि जो सुनता है, श्रवण। सत्संग में पहुंचा श्रवण कुमार, उसने सुना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो नरकों से तार दे। श्रवण कुमार ने केवल ये सुना लेकिन मनन नहीं किया इन शब्दों पर कि नरकों से तारने का उपाय क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, ये सब नहीं सोचा, चिंतन नहीं किया। वो बाहरी तीर्थाटन पे अपने माता पिता को ले गया। केवल सुना, मनन नहीं किया। अगर मनन करता तो आंतरिक जगत में उतरता, सबसे पहले खुद अंतर जगत के तीर्थों पे यात्रा करता और फिर माता पिता को भी ज्ञान मार्ग पर ले जाता, तब उनके लिए पुत्र नरक से तारने वाला बनता। लेकिन मनन नहीं, चिंतन नहीं, इसलिए बाहरी तीर्थाटन पे ले गया। हुआ क्या? कहानी आप सबको पता है। अपने माता पिता की प्यास को बुझाने के लिए उसने जैसे ही पात्र को नदी में डाला, दूसरी ओर दूर कहीं महाराज दशरथ थे, शब्द वेदी बाण चला दिया उन्होंने और बाण जाकर किसको लगा? श्रवण कुमार को। महाराज दशरथ ने केवल पानी के स्वर को सुना। सुनकर मनन भी तो कर सकते थे,
कि इस वन में केवल मैं ही इंसान नहीं हो सकता, और भी कोई हो सकता है। उन्होंने मनन चिंतन नहीं किया, बस आवाज सुनी, अच्छा कोई जानवर होगा, बाण चला दिया। श्रवण कुमार के पास महाराज दशरथ आए, उसके हाथ से पात्र लिया, उसके कहने पर माता पिता के पास पहुंचे। जब पुत्र की मृत्यु की समाचार को सुना तो क्या हुआ? क्या माता पिता ने सुनने के बाद थोड़ी देर चिंतन किया? नहीं, क्रोध में आए, उसी समय महाराज दशरथ को श्राप दे दिया। ये नहीं सोचा कि जिस पीड़ा को हम भोग रहे हैं, दशरथ भी उसी पीड़ा को भोगेगा। उन्होंने इसका एहसास नहीं किया, क्योंकि केवल सुना, मनन नहीं, चिंतन नहीं, स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं। और परिणाम क्या निकला? राम को वनवास हुआ और दशरथ उनकी याद में रोते बिलखते रहे और प्राणों का त्याग कर दिया उन्होंने। समझ आ रही है? केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, अगर पूर्ण लाभ पाना है तो सुनने के बाद मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा और स्वाध्याय कर अपने भीतर उस सार को उतारना होगा। तभी तो हमारे शास्त्रों ने कहा, पहले इसके बारे में सुनो, फिर मनन करो और उसके बाद उस आत्मा का दर्शन करो जिसके लिए आपको ये मानव तन मिला है। ये है वेद कृपा। तीसरी आती है गुरु कृपा। सज्जनों, गुरु की कृपा होती है हर मानव के जीवन में। मैं ये कह सकती हूँ कि बरेली वासियों पर भी दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हुई है कि आपको ब्रह्म ज्ञान का संदेश मिल रहा है, आपको अंतर जगत में भगवान के दर्शन करने का आवाहन मिल रहा है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है उससे आपको अवगत करवाया जा रहा है। क्या ये गुरु की कृपा नहीं? एक कहानी सुनाती हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की। आप सब जानते हैं माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे और माँ काली को प्रकट कर लेते थे सामने। एक दिन द्वार पर संत आए तोतापुरी। संत ने आकर रामकृष्ण परमहंस से कहा, मेरी शरण में आ जा, तुझे माँ के तत्व स्वरूप ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा दूंगा। ज्यों ही सुना, रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, देखिए महाराज, मैं अपना कोई भी कार्य माँ से बिना पूछे नहीं करता। तोतापुरी जी ने कहा, जाकर पूछ लो। पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस माँ के पास। माँ, हे भगवती, हे काली, प्रकट हो। माँ प्रकट हो गई। कहने लगे, माँ, द्वार पर आज एक संत आया था और कहता है कि मेरी शरण में आ जा, तुझे माँ के तत्व रूप से जोड़ दूंगा। जानते हो माँ काली ने क्या कहा? माँ काली ने कहा, रामकृष्ण, विलंब मत कर, जल्दी से जाकर गुरु से दीक्षा ले ले। रामकृष्ण ने सुना, थोड़ा आक्रोश में आ गए। कहने लगे, माँ, अगर मुझे गुरु के पास ही जाना था तो तेरी इतनी पूजा की, तेरी इतनी उपासना की, उसका मुझे लाभ क्या हुआ? माँ कहती है, रामकृष्ण, एक बार दुनिया में निकल कर देख, अगर सच्चा संत है तो झूठा संत भी है। इन सच्चे झूठे में तू उलझ जाएगा। आज तक तूने सच्चे मन से जो मेरी पूजा, उपवास, व्रत जो भी किया है, उन सब का फल मैंने आज तुझे दिया है। सच्चा संत तेरे द्वार पर आया है और आकर कहता है, आ, मैं तुझे तेरे भगवान का दर्शन करवा दूंगा, यही मेरी भक्ति का फल है रामकृष्ण। सज्जनों, यही होती है गुरु की कृपा जो आप सब पर भी बरस रही है। आप जिस भी आराध्य को पूजते हैं, मानते हैं, उनका व्रत उपवास करते हैं, संपूर्ण भक्ति का फल आपको मिल चुका है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने आवाहन दिया है, आओ उनकी शरण में आओ और अपने अंतर घट में भगवान का दर्शन कर लो, दीक्षा को प्राप्त कर लो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने प्राप्त किया। लेकिन ये पूरा कब होगा? जब चौथी कृपा होगी। चौथी कृपा कौन सी? पहली है ईश कृपा, दूसरी है वेद कृपा, और तीसरी है गुरु कृपा, और चौथी है स्व कृपा। यानी हमें खुद पर कृपा करनी होगी, हमें खुद पर
काम करना होगा और विवेक पूर्ण निर्णय लेते हुए मानव तन रूपी साधन का इस्तेमाल करते हुए जो वेदों ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलते हुए गुरु के आवाहन को स्वीकार करना होगा और जीवन में जिस लक्ष्य को पाने आए थे उस लक्ष्य को पाना होगा। सज्जनों, हम केवल आपके समक्ष भोजन की थाल रख सकते हैं, उस भोजन में से उठाकर भोजन आपको खुद खाना होगा। हम आपको बता रहे हैं कुआं यहां है, अगर आपको प्यास है तो आओ पानी पियो। पुरुषार्थ आपको खुद करना होगा, खुद आना होगा, विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा और फिर भक्ति के लिए आगे बढ़ना होगा। आशा करते हैं कि आप सभी जिन्हें मानव तन रूपी साधन मिला है इस साधन का सदुपयोग करेंगे और भगवान की जो कृपा आप पर बरसी है उस कृपा को अपने जीवन में उतार लोगे, उसका लाभ उठा लोगे और फिर जिस कार्य हेतु ये जीवन मिला है उस कार्य को भी पूरा कर लोगे। इसलिए उठिए, अपनी जिन जिन धारणाओं में जकड़े हुए हैं उन धारणाओं को तोड़िए। अज्ञानता के जिस बंधन में बंधे हैं उन बंधन को तोड़ने का समय आ चुका है, ईश्वर दिखाई देता है। आज छठा दिवस है जब हम ये बात कह रहे हैं और केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नहीं, हर एक शास्त्र, हर एक ग्रंथ, हर एक भक्त की जीवन गाथा यह कहती है कि भगवान दिखता है। आओ और आकर प्रत्यक्ष रूप में भगवान को देखो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बार पुनः आप सभी का आवाहन करती है, आओ और आकर अपने भगवान को जान लो, भगवान को देख लो, उसका साक्षात्कार अपने अंतर्घट में कर लो। आइए, इसी आवाहन के साथ हम बरेली वासियों को एक बार पुनः जागृत करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, इस मानव तन रूपी साधन के सदुपयोग के बारे में। फिर कब तक धारणाओं में बंधे रहो, तुम कब तक यूं ही जियोगे। ईश्वर देखा जाता है, ईश्वर देखा जाता है, यह सारे ग्रंथों का जानो आवाहन है, ये दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो आवाहन है, दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो। ईश्वर देखा जाता है, ईश्वर देखा जाता है, यह सारे ग्रंथों का जानो स्वयं देख ही मानो आवाहन है, ये दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो। प्रत्यक्षम किं प्रमाणम्, 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 प्रत्यक्षम किं प्रमाणम्। पम पगल गगरे रे रे सा सधनी पा, पधनी सधा पा, धनी सा गरे सा निधा। धनी निधि सा सा धनी सा धनी सा, धनी निधि सा सा धनी सा धनी सा, धनी सा धनी सा। लक्ष्य यही है इस जीवन में, जीवन की परिभाषा जाने।
अवसर है ये दुर्लभ ऐसा, छोड़े रस्ते हम मनमाने। लक्ष्य यही है इस जीवन में, जीवन की परिभाषा जाने। अवसर है ये दुर्लभ ऐसा, छोड़े रस्ते हम मनमाने। मार्ग चुनो जो संतों ने, मार्ग चुनो जो संतों ने, दिखलाया है नारायणों आवाहन है ये दिव्य ज्योति का, स्वयं देख ही मानो। आवाहन है ये दिव्य ज्योति का, स्वयं देख ही पर हम सुनते रहे कहानी। समय यही है दर्शन कर ले, घट में हम उस शक्ति का। बीत गया जो छोड़ दे उसको, कर ले आरंभ प्रभु भक्ति का। राम कृष्ण प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा आप सुन रहे हैं, और क्योंकि ये जो परंपरा है हमारी सनातन परंपरा दीप प्रज्वलन की, ये आवाहन है, प्रार्थना है प्रभु से, प्रभु आपकी ये ज्योति हर हृदय में ऐसे ही जगे। इसलिए हम दीप प्रज्वलित करते, बुझाते नहीं हैं, प्रज्वलित करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की परंपरा को हम निर्वाह करने इन दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान हमारे प्रिय राजू खंडेलवाल जी, कॉम्पिटेंट ग्रुप व इंटरनेशनल सिटी बरेली से हैं, कृपया आप आगे आइए। कुमारी कीर्ति कश्यप एडवोकेट, पुत्री श्रीमान धर्मेंद्र कश्यप जी जो सांसद सदस्य हैं आंवला से, उनकी पुत्री आई हुई हैं। कीर्ति जी आप भी आगे आइए। श्रीमान रामदयाल मोहता जी जगदम्बा साड़ी शोरूम से, श्रीमान राजेश मौर्या जी पीआरओ सांसद आंवला से, श्रीमान वसंत कुमार पोद्दार, श्रीमान प्रमोद साहू जी कृपया जी आगे आएँ, और हमारे माननीय यजमान जो इस प्रोदा हैं इस कथा के, मैं आपसे सब निवेदन आपको आगे बुला रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। श्रीमान सुमित कुमार गंगवार जी, श्री सुधीर शर्मा जी, श्रीमान नरेंद्र कुमार वर्मा जी, श्रीमान निशांत चौहान जी, श्रीमान मुदित मिश्रा जी, श्रीमान लाखन सिंह गंगवार जी, श्री कृष्णा सिंह मरतोलिया जी, श्रीमान सोमपाल गंगवार जी मुख्य यजमान हैं, कृपया आगे आएँ। उत्सव यजमान धर्म प्रकाश जी रिटायर्ड आर्मी से, श्रीमान कृष्णपाल गंगवार जी, श्रीमान भूप सिंह जी, और दैनिक यजमान सुरेश चंद्र गुप्ता जी, विकास शर्मा जी, मोहिनी गोस्वामी जी, सुरेश कुमार जी, गुरबाज सिंह जी, कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा शाहजहांपुर, और श्रीमान हरीश भट्ट जी, कृपया आप सभी आगे आएँ और पावन दीप प्रज्वलन की इस परंपरा को पूर्ण करें। धन्यवाद। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आप सभी कृष्ण अनुरागियों का आवाहन करती है कि आओ और अपने बांके बिहारी का दर्शन अपने अंतर्घट में करो, अपने भगवान का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्राप्त करो। जिन भगवान की कथा कहानियाँ इतनी सुंदर हैं, सोचिए वो भगवान जिसका हम दर्शन अपने अंतर्घट में प्राप्त कर पाएंगे वो कितने सुंदर हैं, और जब उनका दर्शन इस अंतर्घट में संभव हो जाएगा, जब हमारे नारायण हमारे हरि हमारे जीवन में उतर आएंगे, तो जीवन के सारे कष्टों को वो हर लेंगे, इसलिए उनका नाम हरि है। आप हरि से जुड़ें, अपने कष्टों से अपने दुखों अपने पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं, अपने अंतर जगत में आनंद कंद भगवान का दर्शन कर आनंद के स्रोत से जुड़ जाएं, हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक हो जाएं, यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में। और आपसे आशा करते हैं स्वकृपा करते हुए पुरुषार्थ करते हुए आप इन चारों कृपाओं से अपने जीवन को सजा लेंगे, अपने जीवन को सुंदर बना लेंगे, जिस प्रकार परीक्षित ने बनाया। सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर कथा को सुना अवश्य, लेकिन साथ ही साथ मनन भी किया, चिंतन भी किया, स्वकृपा भी की, पुरुषार्थ किया, मांग की सुखदेव जी महाराज से कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ना है। मुक्ति के मार्ग पर बढ़ा और मुक्त हो गया परीक्षित, जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आया। सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को भगवान की बहुत सी लीलाएं सुना चुके हैं, अब भगवान के प्रथम विवाह की गाथा सुना रहे हैं। ये विवाह होने जा रहा है राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से। विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, जिनके चार पुत्र और एक पुत्री है। आप जानते हैं कि हमारे प्रभु ने अनेकानेक लीलाएं की हैं, और वो लीलाएं केवल एक धरा तक सीमित नहीं रही, चारों ओर उन लीलाओं की चर्चा होने लगी। यही चर्चाएं लोग अपने कंठ में भर भर कर विदर्भ नगरी भी लेकर आते हैं। कृष्ण की कथाओं को कृष्ण की लीलाओं को नन्ही सी रुक्मणी सुनती है और सुनती ही चली जा रही है। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर कृष्ण के प्रेम की सुगंध को पाकर नन्ही सी रुक्मणी जीवन के उस पड़ाव पर आ गई जहां राजा भीष्मक को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिवस रुक्मणी का जन्मोत्सव था,
सारी सखियां रुक्मणी जी के लिए ढेरों उपहार लेकर आई, कोई कंगन लेकर आई, कोई हार लेकर आई, और रुक्मणी जी को देते हुए, उन्हें जन्मोत्सव की बधाई देते हुए बड़े आनंद से झूम रही हैं। तभी एक सखी ने पूछा, कहने लगी, सखी राजमाता ने तुम्हें उपहार में कुछ नहीं दिया? इससे पूर्व रुक्मणी कुछ कहती, द्वार पर राजमाता आ खड़ी हुई और उनकी आवाज आई, बेटी रुक्मणी, रुक्मणी। रुक्मणी ने देखा द्वार पर माँ खड़ी है, झट से दौड़कर गई। माँ भीतर आई, रुक्मणी को जन्मोत्सव की बधाई दी और एक बड़ा सा थाल उपहार मिलाई। रुक्मणी से कहा, क्या इसे धारण कर बताओगी नहीं कैसा लग रहा है? रुक्मणी भीतर गई और जब उन वस्त्रों को धारण करके आई, आज तो खुशी में नाचने लगी, झूमने लगी, माँ के हृदय से जाकर लग गई। कहने लगी, आज से पूर्व आपने इतना सुंदर उपहार मुझे कभी नहीं दिया। माँ सोच रही है, एक साधारण से वस्त्र ही तो दिए, ये इतनी आनंदित क्यों है? रुक्मणी के आनंद का कारण था वो पीले रंग के वस्त्र। ऐसा लगा मानो पीला रंग धारण नहीं किया, ऐसा लगा मानो कृष्ण की हो गई है और अपने प्रभु की याद में झूमती हुई, नाचती हुई आज राजभवन में घूम रही है। पिता भीष्मक के पास गई, उनके चरणों में प्रणाम किया, अपनी नन्ही सी रुक्मणी को आज इतनी बड़ी देखा। कहने लगे, रुक्मणी अब तो तेरा स्वयंवर करना होगा, शीघ्र ही तेरा विवाह सुनिश्चित करने वाला हूँ मैं। यह सुनना था कि शर्माई लजाई हुई रुक्मणी जी वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन उस कक्ष में आकर रुक गई जहां उसने कृष्ण के अनेकानेक चित्र बनाए थे। यूं तो कृष्ण को कभी नहीं देखा, लेकिन जितनी भी कृष्ण की कथाएं सुनी, जितनी भी लीलाएं सुनी, उससे कृष्ण के भिन्न भिन्न चित्र बना दिए। एक चित्र के पास जाकर खड़ी हुई, निहारती रही, कहने लगी, पिताजी कहते हैं कि मेरा जो वर होगा वो बड़ा ही बलशाली होगा। अरे आपसे बलशाली और कौन हो सकता है जिसने 17 बार जरासंध को पराजित कर दिया? दूसरे चित्र के पास गई, जाकर उसे निहारने लगी, कहने लगी, देखो तो सही, ये है मेरे प्रभु, ये है मेरा वो वर जो हर गुण से परिपूर्ण है। मैं केवल इन्हीं की अर्धांगिनी बनूंगी, स्वयंवर में मेरे हाथ में वरमाला होगी और मेरे प्रभु को भी तो निमंत्रण दिया जाएगा। बस मेरे प्रभु सामने होंगे, वरमाला गले में डाल दूंगी और सदा सदा के लिए अपने प्रभु की हो जाऊंगी। रुक्मणी अपने मन में तरह तरह के स्वप्न संजो रही है, अपने प्रभु की चरणों की सेवा करने का जो माध्यम उसे मिलने वाला है उसे सोच सोच कर आनंद से झूम रही है। लेकिन कुछ ही देर में राजा भीष्मक के पास पहुंच गया रुक्मी, उनका सबसे बड़ा पुत्र। उसे ये ज्ञात हुआ कि पिताश्री स्वयंवर की घोषणा करने वाले हैं। उसने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आप रुक्मणी का स्वयंवर घोषित नहीं कर सकते, मैंने रुक्मणी के लिए बड़े ही सुयोग्य वर का चयन कर लिया है। राजा भीष्मक को लगा ये अवश्य ही द्वारिकाधीश का नाम बोलेगा, ये कृष्ण का नाम बोलेगा, लेकिन उसी समय रुक्मी ने कहा, मैंने चेदी नरेश शिशुपाल के संग रुक्मणी का विवाह सुनिश्चित कर दिया है। बलशाली है, ऐश्वर्यवान है, किसी भी गुण में कम नहीं, हमारी रुक्मणी के लिए सुयोग्य वर है। राजा भीष्मक ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन रुक्मणी से तो पूछ लो। रुक्मी ने कहा, पूछना क्या है, मैं अभी उसे ये शुभ सूचना देकर आता हूं। चल दिया रुक्मणी के कक्ष की ओर। रुक्मणी, बहन रुक्मणी, रुक्मणी कहाँ हो? रुक्मणी, रुक्मणी तो अपने कक्ष में है जहां कृष्ण से बातें कर रही है। भ्राता कितनी देर तक बुलाते रहे, लेकिन रुक्मणी तो अपने प्रभु की स्मृतियों में खोई हुई है। जब बार बार स्वर उठा, रुक्मणी को सुनाई दिया, दौड़ती हुई बाहर आई, भ्राताश्री आप? मैं जरा अंदर थी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। रुक्मी ने कहा, बहन रुक्मणी आज तेरा जन्मोत्सव है और सुना है कि तुझे ढेरों उपहार मिले हैं। रुक्मणी ने अपनी हथेली आगे कर दी, कहने लगी, लाइए मेरा उपहार। रुक्मी ने कहा, ऐसा वैसा उपहार नहीं है, अरे तेरा विवाह निश्चित कर दिया गया है चेदी नरेश शिशुपाल के संग। जैसे ही रुक्मणी ने सुना,
उसके तो स्वप्न मानो बिखर गए, मुख नीचे कर लिया। रुक्मी को लगा लज्जा से मुख झुका लिया है मेरी बहन ने, उसके सिर पर अपना हाथ रखा, प्रेम से कहने लगे, बहन इससे सुयोग्य वर तेरे लिए कोई नहीं होगा, सौभाग्य तेरे द्वार पर खड़ा है, जा बस अपनी वरमाला को उसके गले में डाल और अपने जीवन में ले आ। इतना कहकर रुक्मी वहां से प्रस्थान कर गया। रुक्मणी जिसके सारे स्वप्न बिखर गए थे, प्रभु से मिलने का जो मार्ग उसने सोचा था वो मार्ग अब किसी ने अवरुद्ध कर दिया, शैया पर आकर बैठ गई, कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि मैं नदी हूँ और सागर में मिल जाऊंगी, लेकिन मुझे तो झील बना दिया गया। क्या मैं कभी नदी का रूप नहीं लूंगी? क्या मेरे मार्ग की बाधाएं दूर नहीं होंगी? क्या मैं सागर में कभी विलीन नहीं होंगी? क्या मैं अपने प्रभु की अर्धांगिनी नहीं बनूंगी? क्या मुझे कृष्ण के चरणों की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा? रुक्मणी की आंखों में अश्रु आ गए। उसी समय अंतर जगत से एक आवाज उठी, रुक्मणी कलम और कागज के द्वारा पाती लिख दे कृष्ण के नाम पर। रुक्मणी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, कलम उठाई, कागज उठाया और अपने भावों को उस पाती पर लिख दिया। कहने लगी, प्रभु विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, भले ही आपका जन्म कारागार में हुआ है लेकिन आप मोक्ष के दाता हैं। मेरे भ्राता ने मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के संग तय कर दिया है, मुझसे मेरे स्वयंवर का अधिकार छीना जा रहा है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, प्रभु मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये रुक्मणी जिसने अपने मन मंदिर में केवल आपको स्थान दिया है, ये आपका आवाहन करती है, आइए प्रभु किसी भी रीति से किसी भी युक्ति से आकर मुझे यहाँ से ले जाइए, प्रभु मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए, प्रभु मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए। एक जन्म क्या, हजारों जन्म भी मुझे लेने पड़े लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करवाऊंगी, प्रभु ये रुक्मणी केवल आपको स्वीकार करना चाहती है, केवल आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती है। पाती को लिया, ब्राह्मण देव को बुलाया और ब्राह्मण देव से कहा, जाइए ब्राह्मण देव, शीघ्र कीजिए, द्वारिका जाइए, द्वारिकाधीश को जाकर ये पाती दे आइए। ब्राह्मण देव शीघ्र ही द्वारिका की ओर निकल गए और रुक्मणी का जो संकल्प रूपी पत्र था उसे जाकर द्वारिकाधीश को पकड़ा दिया, थमा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी के संकल्प को पढ़ा, ब्राह्मण देव से कहा, जाइए रुक्मणी जी से कहिएगा कि हम अवश्य आएंगे उन्हें ले जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो नारी उद्धारक हैं, जब उन्होंने रुक्मणी के पाती से ये पढ़ा कि एक नारी के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे प्रभु तुरंत सज्ज हो गए। और रुक्मणी भी कोई साधारण नहीं है, एक जागृत नारी है रुक्मणी, जिसके भीतर संकल्प है, जिसके भीतर उत्साह है, जोश है, जो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है। रुक्मणी की कहानी अद्भुत है, एक जागृत नारी की कथा है रुक्मणी जी की कथा। जहां हम आज रुक्मणी जी की कथा सुन रहे हैं, मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगी, और वो कहानी जानते हैं किसकी है? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। क्या ये कहानी सुनना चाहोगे? क्या ये कहानी सुनना चाहोगे? आओ इस कहानी को भी हम एक सुंदर सी रचना के माध्यम से सुनते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, ओ बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकटू तानी थी,
पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, हो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कुंदे ने हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ने हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1835 में नन्ही सी मनु का जन्म हुआ। पिता का नाम है मोरोपंत और माँ का नाम है भागीरथी। इनके यहाँ एक नन्ही सी सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। प्रेम से उसे मनु बुलाया जाने लगा। द्वितीय पेशवा बाजीराव इसे प्रेम से छबीली कहकर पुकारा करते थे। छबीली पेशवा के पुत्र नाना के संग खेला करती थी। जहाँ इसकी उम्र की लड़कियाँ गुड्डा और गुडियों के संग खेलते थे, लेकिन वहीं ये मनु ये हमेशा तलवार चलाती थी, अस्त्र शस्त्र के संग खेलती थी। जहां इसकी उम्र की बालिकाओं को चूड़ियों की खनखनाहट अच्छी लगती थी, इसे तलवारों की आवाज भाती थी। इसे सौंदर्य प्रसादन अच्छे नहीं लगते थे। अगर मनु से कोई पूछे कुछ चाहिए तो मनु कहती थी, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, धनुष चाहिए, बाण चाहिए। ऐसी थी मनु जो घुड़सवारी में भी बहुत अच्छी थी। नाना के संग एक दिन सवारी कर रही थी, अचानक घोड़ा बिदक गया और नाना घोड़े से गिर गया। मनु उसे उठाकर भवन में ले आई। जैसे ही मोरोपंत और पेशवा बाजीराव को पता चला, दौड़े आए। नाना के घाव को देखकर चित्कार कर उठे, अरे इतना घाव, ऐसी पीड़ा। पास में खड़ी हुई नन्ही सी मनु देख रही थी, अपने पिता से कहती है, पिताजी इतने से घाव को देखकर आप भयभीत हो गए? अरे ये तो वीरता की निशानी है कि किसी की देह से अगर रक्त बहता है तो। आपको याद नहीं, आपने मुझे कहानियां सुनाई थी, अभिमन्यु का चक्रव्यूह बेदन, हल्दी घाटी का युद्ध, रानी दुर्गावती का महाकौशल, ये सब हमारा इतिहास है। हम इस भारत भूमि के वासी हैं और ये हमारी संस्कृति है कि हमारे खून में उबाल हो, हमारे रक्त में उबाल हो। मैं इस रक्त से भयभीत होने वाली नहीं हूँ। मैं सदैव शत्रुओं को पराजित करूँगी और उन्हें पराजित करना ही मेरे जीवन का धर्म होगा। बाल्यकाल से ही उसके भीतर एक वीरता गूंजती दिखाई दे रही थी। एक ऐसी रानी, एक ऐसी महारानी का दर्शन हो रहा था उस मनु के वाक्यों के भीतर। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुल के होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, कैसे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, हो महाराष्ट्र कुल देवी की आराध्य भवानी थी। जय भवानी। कुंदे ने हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुंदे ने हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
कुछ वर्ष बीते होंगे, मनु का विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया। झांसी पहुंच गई और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बन गई। सामने खड़ी हैं दो दो दासियां, नाम है सुंदर और मुंदर। प्रणाम किया, लक्ष्मीबाई ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगी हम आपकी दासियां हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा दासियां मत कहो, मुझे सखियां चाहिए, मुझे दासियां नहीं चाहिए। सखियां शब्द सुनते ही सुंदर और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की ओर देखने लगी। कहने लगी हमने सुना है सारे नगर में एक चर्चा हो रही है कि आपको बड़ी अच्छी घुड़सवारी आती है। लक्ष्मीबाई ने कहा हाँ, मुझे तो बचपन से घोड़े पर बैठना आता है। सुंदर मुंदर ने कहा हमने सुना है आपको अस्त्र शस्त्र भी चलाने आते हैं, आपको बंदूक भी चलानी आती है। लक्ष्मीबाई ने कहा आती है, अवश्य आती है, तुम बताओ तुम्हें क्या आता है। सुंदर मुंदर ने कहा हम, अरे हम तो औरतें हैं, सदैव रनिवास में रहती हैं, हम औरतों को ये सब चलाकर करना भी क्या है। लक्ष्मीबाई ने सुना, लक्ष्मीबाई कहने लगी ये कैसी बात हुई, अगर तुम औरतें हो क्या तुम्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का क्या तुम्हें इजाजत नहीं है? क्या तुम अस्त्र और शस्त्र नहीं चला सकती? क्या सुना नहीं तुमने कि जब एक शेरनी अपने बच्चे को अपने दूध से सींचती है और अगर कोई उसके बच्चे पर कुदृष्टि डाल दे तो वही शेरनी शेर से भी ज्यादा खूंखार हो जाती है और सामने वाले शत्रु को पराजित कर देती है, फाड़ देती है। नारी में भी अपार शक्ति है, तुम्हारे पास भी अस्त्र शस्त्र होने चाहिए ताकि तुम अपने धर्म की रक्षा कर सको, अपने देश की रक्षा कर सको पुरुषों की तरह। सुंदर मुंदर ने सुना, कहने लगी क्या हम भी सीख सकती हैं? लक्ष्मीबाई ने कहा अवश्य सीखोगी और मैं सिखाऊंगी तुम्हें। रनिवास अब रन का अखाड़ा बन गया, रंग भूमि अब रण भूमि बन गई। जहां हंसी ठिठोली होती थी अब वीर रस की कविताएं गूंजने लगी। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरांगनाओं की एक बड़ी सी फौज तैयार कर दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा था। ब्रिटिश सरकार हमारे भारत पर आक्रमण कर चुकी थी और एक एक कर वो सारे राज्यों को हड़प रही थी। इसलिए वीरांगना लक्ष्मीबाई ने ऐसी नारियों की सशक्त सेना तैयार की जिसका सामना अब ब्रिटिश सरकार से होने वाला है। शासकों की माया, व्यापारी बन गया चाहता था वो जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ, छीना बातों बात कैद पेशवा था, विठुर में हुआ नागपुर का भी घा। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म में अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की, बंगाले मद्रास आदि की ही तो वही कहानी थी। हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। समय कुछ बीता, गंगाधर राव असाध्य रोग से युक्त हो गए। 5 वर्ष का एक पुत्र, दत्तक पुत्र को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ ही समय बाद गंगाधर राव मृत्यु को प्राप्त हो गए। उत्तराधिकारी है 5 वर्ष का पुत्र। एक दिन सभा में अंग्रेजों का एक नुमाइंदा आया और आकर उसने अपना फरमान सुनाया।
जो अंग्रेज अधिकारियों ने दिया था। उन्होंने कहा कि आपका जो ये 5 वर्षीय उत्तराधिकारी है, अंग्रेजी सरकार इसे स्वीकार नहीं करती, इसलिए अब शीघ्र ही ये जो झांसी है ये अंग्रेजों के अंडर होगी। यह सुनना था पर्दे के पीछे बैठी हुई लक्ष्मी बाई। हुंकार भरती हुई उसने पर्दे को पीछे किया और आकर अंग्रेज अफसर के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, अपनी झांसी मैं किसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों से कह देना जाकर, अगर झांसी चाहिए तो आकर लक्ष्मी बाई से पहले युद्ध करें, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जो नुमाइंदा आया था वापस लौट गया। ये जो मूल मंत्र बन गया सारे के सारे झांसी वासियों का, वायुमंडल में एक ही आवाज गूंजने लगी धरती से आकाश तक। हर एक झांसी वासी यही कहता, हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे, हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे। हुआ क्या, अंग्रेजों ने अपनी सेना के संग झांसी के किले पर आक्रमण कर दिया। रणबेरियां बज उठी, तोपों को सज्ज कर दिया गया, गोले बारूद से आमना सामना होने लगा। 12 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। तब लक्ष्मीबाई ने देखा कि मेरा नगर ध्वस्त हो रहा है और सैनिकों की शक्ति भी कमजोर पड़ रही है। स्वयं अश्व पर सवार हुई, मयान में से तलवार को खींचा, रणचंडी का रूप बनाया, सैनिक से कहा, सैनिक दुर्ग का फाटक खोल दो। दुर्ग का फाटक खोला, साक्षात भगवती का रूप बनाकर दानवों को पराजित करने वीरता की हुंकार भरते हुए लक्ष्मीबाई ने गर्जना की, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, बनी मर्दानों में। दे तारा रे तारा रे रा रा रे रा तारा रे रा तारा रा 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 रे रा रा रे रा रा रे रा रा रे रा रे रा रे रा रे रा रे रा 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 रे रा रा। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों के फिर से रंगरे आए थे, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। उसने मौके खाए थे, कानार मद्रास की आमी रानी के संग आए थे। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाए थे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए आवाज, उसे
रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं को पराजित करते हुए आखिरी श्वास तक लड़ती रही और मरने से पूर्व न जाने कितने शत्रुओं को अपनी तलवार से मार कर ही वीर गति को प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम की धधकती हुई यह लौ लौकिक रूप से अवश्य बुझ गई, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसकी जो याद है वो अखंड लौ कभी कोई बुझा नहीं सकता। इतिहासकारों के मुख से सुना है कि लक्ष्मीबाई के भीतर ये उत्साह, ये जोश मातृभूमि के लिए प्रेम जानते हो कहाँ से जन्मा था? क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति की थी, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ती थी, इतिहास को पढ़ती थी, इतिहास को समझती थी। मौखिक वार्ता में तो यह भी सुना है कि लक्ष्मीबाई के एक गुरु भी थे, ब्रह्म ज्ञान से उपदेशित थी, शत्रुओं को पराजित करने से पहले सुमिरन करती, ध्यान से जुड़ती, अपनी शक्तियों को एकाग्र करती। वो जागृत नारी फिर शत्रुओं को पराजित करने के लिए आगे बढ़ जाती। धन्य है ऐसी लक्ष्मीबाई, धन्य है ऐसी लक्ष्मीबाई। यूं तो ये लौ बुझ गई, लेकिन इसकी याद, इसकी स्मृति और इससे सीखने वाला जो अध्याय है वो भारतवासियों को सदैव शिक्षा देता रहेगा। लक्ष्मीबाई की गाथा एक अमर गाथा बन गई है, एक अमर गाथा बन गई है। आओ हम भी मिलकर लक्ष्मीबाई की इसी अमर गाथा को गुनगुनाते हैं और अपने भीतर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की भावों को जन्म देते हैं। आओ मिलकर गाते हैं। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल तेज की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बल स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। चमक उठी सन 57 में, हो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कुंभेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुंडेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी अमर कहानी, ऐसी जागृत नारी जिसने हंसते हंसते अपनी भूमि के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, वीर गति को प्राप्त हुई, अपनी मातृभूमि के लिए वो कर गई जो युगों युगों तक कोई मिटा नहीं पाएगा। अमर गाथा बन गई लक्ष्मीबाई की। कैसे संभव हुआ
अपार शक्ति, दृढ़ संकल्प, उत्साह, इन सब से ओतप्रोत लक्ष्मी बाई कैसे बनी? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, अध्यात्म ही इंसान को संकल्प धारी बनाता है। अध्यात्म ही इंसान के भीतर अपार उत्साह व जोश को प्रकट करता है। अध्यात्म की शक्ति से इंसान केवल अपने जीवन में नहीं, वो अपने समाज के लिए भी कार्य करता है। अध्यात्म ऐसा परिवर्तन लाता है। और इसी कारण से श्री महाराज जी ने एक उद्घोष किया है, अपने पीयूष अनुदानों का जनता को पान कराएगी, आएगा वह ब्रह्म मुहूर्त जब नारी सतयुग लाएगी। जहां आज समाज में नारी की स्थिति दयनीय व शोचनीय है, वहां श्री महाराज जी का यह वक्तव्य है, आएगा वह ब्रह्म मुहूर्त जब नारी सतयुग लाएगी। सतयुग मतलब कलयुग का खात्मा, इन नकारात्मकता का खात्मा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो भेदभाव है, इन सब को दूर करेगी स्वयं एक नारी। लेकिन कैसी नारी? लक्ष्मी बाई जैसी नारी, दुर्गावती जैसी नारी, जो जागृत है, जो अपनी शक्तियों को समझ गई, जो अपनी शक्तियों को जान गई, वही जाकर समाज में परिवर्तन ला सकती है। योगानंद परमहंस इसे बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल से रखते हैं, चिक एंड एग शेल। वो कहते हैं एक अंडे में एक चूजा है, उस चूजे को लगता है ये अंडा ही मेरा संसार है और इतनी ही दुनिया है। लेकिन क्या चूजे का ऐसा सोचना ठीक है? क्या और कोई संसार नहीं? नहीं। जिस दिन चूजा उस अंडे से बाहर आता है और देखता है इतना बड़ा संसार है, उसे विश्वास नहीं होता पहले, क्योंकि उसका जो संसार था वो बड़ा सीमित था, असीम संसार को देखने की कल्पना भी उसने नहीं की। योगानंद परमहंस जी समझाते हैं, इसी तरह इंसान जिसकी शक्तियां सीमित है, लेकिन जब वो विराट से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, वो विराटता को पाता है, असीम शक्तियों से युक्त हो जाता है। यही करना होगा आज की नारी को। अगर समाज के लिए कुछ करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो संकल्पवती बनना होगा, उत्साह व जोश से भरना होगा, स्वयं की शक्तियों को जानना होगा। आप में ही महिषासुर मर्दिनी है, आप में ही कोई लक्ष्मी बाई बैठी है। वो कोई अलग नहीं थी, वो भी यही थी। एक बात अलग है, वो जागृत थी, हम अभी तक अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। हम अपनी शक्तियों को नहीं जानते, उन शक्तियों को जानना होगा, अध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाकर समाज के लिए कुछ नया परिवर्तन लाना होगा। रुक्मणी जी की गाथा देख लीजिए, वो भी तो एक जागृत नारी की ही गाथा है, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या रुक्मणी जी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई? नहीं, वो नारी है और नारी अपनी शक्तियों से परिचित है। कोई भी नर उसका शोषण नहीं कर सकता, इसलिए भगवान को आवाहन दिया है, भगवान को पुकारा है, आप आइए और आकर मुझे यहां से लेकर जाइए। भगवान श्री कृष्ण तक पाती पहुंच गई, भगवान श्री कृष्ण भी नारी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तुरंत तत्पर हो उठे हैं। अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक रथ को तैयार करो, हमें शीघ्र विदर्भ नगरी जाना है। उधर विदर्भ नगरी में विवाह की सारी तैयारियां संपन्न हो गई हैं, बारात भी आ गई है, शिशुपाल और जितने भी सारे दुष्ट आत्माएं थी वो सब उसके संगी साथी बनकर विवाह में सम्मिलित हुए हैं। शिशुपाल आ गया, आकर कहने लगा, मैंने सुना है, कहीं से सूचना मिली है कि वो कृष्ण भी विदर्भ नगरी की ओर आ रहा है। जैसे ही यह कहा, रुक्मी ने कहा, अरे चिंता मत करो मित्र, मैंने बहुत ही कड़ा पहरा लगाया है, वो यहां तक नहीं पहुंच सकता। शिशुपाल ने कहा, तुम जानते नहीं हो, अरे उसको तो बाल्यकाल से चोरी करने की आदत है, अगर आज उसने मेरी भार्या का भी अपहरण कर लिया तो?
रुक्मी ने कहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, व्यर्थ की बातें मत सोचो, मैंने बहुत ही अच्छा कड़ा पहरा किया है, सैनिकों को भी मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। कोई नहीं जानता था कि हमारे प्रभु के मन में क्या चल रहा है, विदर्भवासी क्या सोच रहे हैं ये भी कोई नहीं जानता था। जैसे ही हमारे प्रभु विदर्भ की वीथियों में उतरे, विदर्भवासियों ने प्रभु को देखा तो प्रभु की रूप माधुरी को देखकर जानते हो उनके मुख से क्या निकला, कहने लगे देखो तो सही कितने सुंदर हैं द्वारिकाधीश, कितनी सुंदर रूप माधुरी है, अरे आज तक इनकी चर्चाएं सुनी थी आज इन्हें देखा है, हमें तो लगता है हमारे रुक्मणी के भाग्य में यही लिखे हैं। कन्हैया सबकी बातें सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विवाह का दिन है, रुक्मणी जी तैयार हुई, सखियों के संग पहुंच गई अपनी माता और पिता के पास, चरणों में प्रणाम किया, कहने लगी कुल देवी के मंदिर में जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। रुक्मणी जानती थी कि ये उसका माता पिता के चरणों में अंतिम प्रणाम है, क्योंकि कुल देवी के मंदिर में कृष्ण को बुलाया है और वहाँ से वो द्वारिका की ओर निकल जाएगी। इससे पूर्व माँ आशीर्वाद देती कक्ष में रुक्मी आ गया। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी को तैयार देखा, सखियों के संग देखा, कहने लगा बहन कहाँ जा रही हो? रुक्मणी ने कहा भ्राताश्री वो कुल देवी के मंदिर जा रही हूँ आशीर्वाद लेने। रुक्मी ने कहा आप कोई आशीर्वाद विवाह से पूर्व नहीं मिलेगा, जो भी आशीर्वाद लेने हैं विवाह के पश्चात लेना। रुक्मणी ने अपनी माँ की ओर देखा, माँ ने रुक्मी से कहा रुक्मी कैसी बातें कर रहे हो, कुल देवी का आशीर्वाद लेना हमारी कुल परंपरा है, क्या तुम नहीं चाहते कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के संग अच्छे से संपन्न हो? रुक्मी ने कहा चाहता हूँ। माँ ने कहा तो फिर कुल देवी का आशीर्वाद लेने दो, विघ्न उपस्थित मत करो। रुक्मी ने कहा ठीक है लेकिन मेरे सैनिक संग जाएंगे। रुक्मणी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। सैनिकों के संग सखियों के संग रुक्मणी जी पहुंच गई कुल देवी के मंदिर में, माँ गौरी के मूरत के समक्ष खड़ी है, प्रार्थना कर रही है माँ मैंने आज तक संपूर्ण जीवन आपकी भक्ति की है, अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे कृष्ण से मिलवा दीजिए, मुझे मेरे प्रभु से मिलवा दीजिए। सखी से कहा सखी जाकर देख मेरे प्रभु आए या नहीं। सखी गई मंदिर से ही उचक उचक कर देख रही है, कहीं कोई रथ नजर नहीं आ रहा। भीतर आई कहने लगी रुक्मणी जी कोई नहीं आया। ज्यों ज्यों समय बीत रहा है त्यों त्यों रुक्मणी की जो पुकार है वो और प्रगाढ़ होती जा रही है। कहने लगी माँ तुमने भी तो शिव से प्रेम किया था, तुम भी तो शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती थी और उसके लिए कठोर तपस्या की, मैं भी अपने कृष्ण की बन जाना चाहती हूँ, अपने कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। हे माँ गौरी मेरे प्रभु को भेज दीजिए, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। कुछ क्षण बीते होंगे सखी से कहा जा जाकर देख प्रभु आए कि नहीं। सखी दौड़ती हुई गई और इस बार उसे पहली ही दृष्टि में कृष्ण का रथ दिखाई दे दिया। दौड़ती हुई आई कहने लगी रुक्मणी जी प्रभु आ गए रथ में बैठकर। जैसे ही यह सुना रुक्मणी जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत मंदिर से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतरने वाली थी उसी समय एक आंधी चली और सभी सैनिकों की जो आंखें थी वो चौंधिया गई। किसी को पता ही नहीं चला कि रुक्मणी जी कब सीढ़ियों से नीचे उतर आई। रथ आकर मंदिर के द्वार पर सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। रुक्मणी जी ने अपना हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने उनका हाथ थामा, रथ में बिठाया और रथ द्वारिका की ओर बढ़ने लगा। इसी के साथ साथ बलराम भैया भी कन्हैया के पीछे पीछे आए हैं यादवों को संग लेकर। कहीं कन्हैया को कोई कष्ट ना पहुंचा दे इसलिए दाऊ संरक्षक बनकर आए हैं। सैनिकों की आंखें खुली और देखा रुक्मणी जी का तो अपहरण हो गया। दौड़ते हुए गए रुक्मी के पास, महाराज क्षमा कीजिए वो ग्वाला है ना वो द्वारिकाधीश वो हमारी रुक्मणी जी को उठा कर ले गया। जैसे ही रुक्मी ने सुना शिशुपाल ने कहा देखा मैंने तुमसे कहा था चोरी करने की उसकी आदत है, ले गया ना मेरी भार्या को उठाकर,
अभी इसी क्षण मैं अपनी भार्या को वापस लेकर आऊंगा। रुक्मी ने कहा, रुको। तभी एक सैनिक आया, महाराज यादवों की सेना आ रही है और संग बलराम भी आ रहे हैं। रुक्मी ने कहा, शिशुपाल जरासंध, आप जाकर बलराम और यादवों से निपटो, अपनी बहन को लेने मैं स्वयं जाऊंगा। अश्व पर सवार हुआ और उस दिशा की ओर बढ़ गया। तीव्र गति से अश्व को ले गया और जाकर कृष्ण का मार्ग रोक दिया। भगवान कृष्ण ने देखा सामने रुक्मी खड़ा है। रुक्मी कहने लगा, क्यों रे ग्वाले, बाल्यकाल में तूने माखन की चोरी की, उसे तेरी बाल लीलाएं कह दी गई, लेकिन आज जो तू करने जा रहा है ये बाल लीला नहीं है, ये कोई माखन की चोरी नहीं है, ये कन्या की चोरी है, कन्या की चोरी। जैसे ही सुना कृष्ण कहने लगे, रुक्मी तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। रुक्मी ने कहा, क्या यही तुम्हारा न्याय है? आज तुम मेरी बहन का अपहरण करके ले जा रहे हो, क्या ये शोभायमान है? कृष्ण कहने लगे, बहन, अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुमने इसके अधिकार इससे क्यों छीने? स्वयंवर एक नारी का अधिकार है, तुमने इससे इसका अधिकार छीन लिया, क्या ये तुम्हारा न्याय है? रुक्मी आक्रोश में आ गया, कहने लगा, बस कर ग्वाले, तेरे उपदेश सुनने यहां नहीं आया हूं, इसी क्षण मेरी बहन को वापस कर। रुक्मणी प्रभु के चरणों में गिर गई, नहीं प्रभु मुझे नहीं जाना। कृष्ण ने कहा, देखो देखो रुक्मी, रुक्मणी तो अब मेरे संग द्वारिका जाएगी। यह सुनना था कि रुक्मी ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, बारंबार प्रभु पर प्रहार करने लगा और हमारे प्रभु भी कुछ क्षणों के लिए युद्ध लीला करते रहे। निशस्त्र हो गया रुक्मी, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया, वध होने ही जा रहा था। रुक्मणी ने कहा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरे भ्राता हैं। उसी समय वहां पहुंच गए बलराम। कन्हैया से कहा, कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा, दुष्ट है ये, आतताई है, अपनी बहन के अधिकार का हनन किया है इसने। बलराम ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर आओ। कन्हैया थोड़े पास में गए। बलराम ने कन्हैया के कान में कहा, साला लगता है, साला छोड़ दे। जैसे ही कन्हैया ने सुना चेहरे पर हंसी आ गई, सुदर्शन गायब हो गया और रुक्मी को जीवन दान दिया हमारे प्रभु ने, और रुक्मणी को संग लेकर, दाऊ को संग लेकर पहुंच गए कहां? द्वारिका नगरी। आज सारी की सारी द्वारिका नगरी सजी हुई है। क्यों? क्योंकि बलराम भैया जब जाने लगे तो देवकी मैया से ये कहकर गए कि आज आपका लाडला अकेले नहीं आएगा, पुत्र वधु को संग लेकर आएगा। देवकी मैया ने सुना, कहने लगी, अच्छा। दास दासियों को बुलाया और कहा, जाओ सारी द्वारिका को सजा दो और सारे द्वारिका वासियों को भी संदेश दे दो। सारी द्वारिका सज चुकी है, द्वारिका वासी भी सज चुके हैं। ज्यों ही प्रभु का रथ द्वारिका में प्रवेश करता है, द्वारिका वासियों ने देखा, हमेशा कृष्ण का दर्शन किया था, साक्षात नारायण को देखा था, आज संग रुक्मणी जी को देखा तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। द्वारिका वासी आनंद से भर गए और लक्ष्मी नारायण की जय जयकार कर रहे हैं, रुक्मणी कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। इसी से होता हुआ रथ पहुंच गया मुख्य द्वार पर। देवकी मैया, वसुदेव पिताजी, सुभद्रा सब खड़े हैं, स्वागत किया नई बहू का। भीतर लेकर आए पुत्र वधु को, कुल गुरु को बुलाया, सही समय निकाला जिसमें विवाह संपन्न किया जाए। तभी सुभद्रा आई, कहने लगी, माँ क्या मैं अपनी भाभी श्री को ले जाऊं इनका श्रृंगार करने? देवकी मैया ने कहा, ले जा ले जा। सुभद्रा सखियों के संग रुक्मणी जी को ले गई, बड़ा अच्छे से श्रृंगार किया। देवकी मैया आई, पुत्र वधु को देखा, बलैया ली, आहा कितनी सुंदर है, क्या किसी ने मेरे लल्ला को भी तैयार किया, किसी ने कन्हैया को भी तैयार किया है? कन्हैया की तो किसी को याद ही नहीं। पहुंच गई देवकी मैया कन्हैया के कक्ष में, जाकर देखा जो हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनता है आज दूल्हे के वेश में बड़ा ही जच रहा है। देवकी मैया ने कहा, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना अद्भुत लग रहा है। इधर हमारे प्रभु के संग उधो जी, बलराम भैया चल दिए मंडप की ओर, और उधर दूसरी ओर से रुक्मणी जी और सखियां सुभद्रा आ रही हैं। कुल गुरु के आशीर्वाद से विवाह संपन्न हुआ।
और सारे के सारे द्वारिका वासी जो इस दिव्य घटना के दृष्टा बने हैं, जब उन्होंने प्रभु का विवाह देखा, इस दिव्य विवाह की घटना को देखा तो आनंद से सराबोर हो गए। कंठ से एक ही स्वर निकला, बोलिए रुक्मणी कृष्ण की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, द्वारिकाधीश की जय, देवी रुक्मणी की जय। चारों ओर जय जयकार हो रहा है। भक्त भगवान के विवाह को देखकर नाचे झूमे बिना नहीं रह पाए और सभी नाचते झूमते हुए क्या गुनगुना रहे हैं। चलिए चलते हैं द्वारिका नगरी भगवान के विवाह में सम्मिलित होने। आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई। सांवरे सुंदर की छवि मनोहारी है, रुक्मणी मैया पे सभी बलिहारी है, नगर में उत्सव की है खुशियाँ छाई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई। कि वो ही झूमे है मगन हो गए हैं, रुक्मणी माधव की कृपा को पाए हैं, बजी जीवन में सुखों की शहनाई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई। प्रेम अभिलाषी रुक्मणी, प्रेम सिंधु घनश्याम, परम प्रेम वृष्टि कियो प्रभु दियो निज नाम, जय जय रुक्मणीशा। हो प्रेम ही अनुपम है, प्रेम ही पावन है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम सच्चा धन है, प्रेम भक्ति ही मोहन के मन भाई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई।
कृष्ण और रुक्मणी जी का लगन देख हर्षाए। हाँ प्रभु कृष्ण और रुक्मणी जी का लगन देख हर्षाए। नगरी तो बड़ी बड़भागी है, द्वारिका नगरी तो बड़ी बड़भागी है, स्वयं परमेश्वर ने यहाँ लीला की है। बड़भागी जिसने देखी और पाई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई। सांवरे सुंदर की छवि मनोहारी है, मणि मैया पे सभी बलिहारी है, नगर में उत्सव की है खुशियां छाई, आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई, 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 आई हो आई शुभ घड़ी मिलन की आई। बोलिए रुक्मणी कृष्ण की जय, भक्त वत्सल श्री हरि की जय, सांवरिया सरकार की जय। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई। आनंद आया, आनंद आया, जरा एक बार जोरदार ताली अपने लिए नहीं कृष्ण रुक्मणी के लिए बजा दो, क्योंकि ये आनंद देने वाले हमारे प्रभु हैं। हम नाचे झूमे आनंद से सराबोर हो गए, क्योंकि हमारे प्रभु का विवाह हुआ है। यही कथा परीक्षित सुन रहे हैं। 7 दिन की जिंदगी है, अब तो कितनी बीत भी गई, मृत्यु के समीप है, सोचकर देखिए। क्या सुखदेव जी महाराज परीक्षित को किसी साधारण विवाह की गाथा सुना रहे होंगे? नहीं, रुक्मणी और कृष्ण का विवाह साधारण नहीं है, एक सिंबॉलिक है। कृष्ण प्रतीक है नारायण का और रुक्मणी प्रतीक है जीवात्मा का। जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिल गए, यही है कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह। कैसे हुआ, पूर्ण कैसे हुआ, संपन्न कैसे हुआ, अगर बीच की कड़ी आप नहीं भूले होंगे तो आपको याद होगा। किसने रुक्मणी जी की पाती जाकर कृष्ण को दे दी? किसने दी, किसने दी? ब्राह्मण देव ने। अगर ब्राह्मण देव ना होते तो ये जो चैप्टर था, ये जो शादी थी, ये कंप्लीट ना होती। गुरु दूती बिन सखी पिवना देखो जाए, भटकत भटकत जन्मे हारी चरण सखी गहे आए। सुखदेव साहिब कृपा करके दीनों अलख लखाए, चरण दास जब प्रीतम पायो दर्शन कियो अघाए। चरण दास जी कहते हैं गुरु दूती बिन सखी। गुरु तो दूती है, मीडियम है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। स्वयं सुखदेव जी के जीवन का यही एक्सपीरियंस रहा। बिना गुरु की शरण के वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वैकुंठ के द्वार नहीं खुले। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हर की सेव, कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। कबीर जी कहते हैं सुखदेव को भी वैकुंठ के द्वार से वापस आना पड़ा, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं थे इसलिए भगवान भी नहीं। फिर क्या हुआ, जनक विदेही गुरु मिले लागा हर की सेव, कहे कबीर वैकुंठ से फिर मिला सुखदेव। लेकिन जिस समय जनक रूपी गुरु जीवन में आए, वैकुंठ के द्वार खुल गए और हरि का साक्षात्कार हो गया सुखदेव जी महाराज को। ये नाथ नगरी है बरेली नगरी, यहां भगवान शिव की बात तो जरूर होनी चाहिए। खोलिए गुरु गीता, स्पष्ट कहा भगवान शिव ने, शिव पूजा रतो वापी विष्णु पूजा रतो थवा, गुरु तत्व विहीनश्चेतत सर्वं व्यर्थमेव ही। हम कहते हैं ना जी, मैं शिव को बहुत मानता हूँ, जी मैं विष्णु को बहुत मानता हूँ, लेकिन शिव क्या कहते हैं?
भले ही तुम शिव को मान लो, भले ही तुम विष्णु को मान लो, भले ही तुम राम को मान लो, लेकिन जीवन में गुरु तत्व नहीं तुम हम तक नहीं पहुंच सकते। तुम शिव को नहीं जान सकते, तुम विष्णु को नहीं जान सकते, तुम हमसे मिल नहीं सकते। सोचिए सज्जनों, भगवान शिव कह रहे हैं हमारे आराध्य देव, क्योंकि गुरु हमारे जीवन की बड़ी अनमोल कड़ी होती है। मैंने हमेशा देखा है और खुद भी किया है, जब भी किसी मंदिर के आगे से निकलना, कहीं से निकलते थे तो ये ऑब्जर्व किया कि जो गर्दन है ना अपने आप वहाँ झुक जाती है। आप लोग भी करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्कूटर रोकते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। गाड़ी में है तो दूर से ही माथा टेकते हैं, आगे निकल जाते हैं। कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? जन्मों जन्मों से प्यासी आत्मा है, 84 लाख योनियों को पार कर आई है, मानव तन रूपी साधन मिला है, उसे लगा था कि अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन हमने उसे संसार में फंसा दिया। वो हर दरबार पे झुकती है हमारी आत्मा, कहीं तो मुझे भगवान मिल जाए, कहीं तो मुझे मेरा पोषण मिल जाए। वो ऐसे नहीं मिलेगा जब तक जीवन में गुरु दूती नहीं आएगा। आप सब इंसान हो, विवेक से निर्णय लो, ये पहचान ले लो कि गुरु आपको क्या देगा। ना आपको कोई भटका पाएगा, ना भ्रमित कर पाएगा। अगर अंधानुकरण करोगे, विवेकहीन होकर चल दोगे, तो सज्जनों कोई भी आपको ठग लेगा। एक बार एक संत थे, 200 शिष्य बिठा रखे थे और 200 विवेकहीन थे। पता नहीं गुरु से क्या चाहिए, संतों से क्या चाहिए, बैठे हैं। संत ने कहा, मैं तुम सबको परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचा दूंगा। सभी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह परमात्मा के साम्राज्य में। संत ने कहा, लेकिन वही करना होगा जो मैं कहूंगा। सभी ने कहा ठीक है। संत ने कहा सीधे बैठो, सारे एक स्वर में बोले सीधे बैठो। संत ने कहा जो कह रहा हूं वो करो, सारे एक स्वर में बोले जो कह रहा हूं करो। संत परेशान हो गए, कहने लगे मूर्खों ये क्या कर रहे हो। सारे 200 के 200 शिष्य बोले मूर्खों ये क्या कर रहे हो। संत तो परेशान हो गए, वो जो कह रहे हैं वो ज्यों का त्यों कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। बड़ी देर बीत गई, संत को आ गया गुस्सा, उठे, एक शिष्य को जाकर तमाचा जड़ दिया। अब क्या हुआ होगा, एक एक शिष्य उठ रहा है संत के मुख पे तमाचा जड़ रहा है, एक एक उठ रहा है संत के मुख पे तमाचा। संत ने देखा यहां नहीं बचेंगे, भाग खड़े हुए, और जैसे भाग रहे हैं 200 पीछे भाग रहे हैं। पता ही नहीं चला कुआं था और जाके गिर गए, और 200 के 200 पीछे गिर गए, सारे भगवान के साम्राज्य में चले गए। ऐसा नहीं बनना है, अंधानुकरण नहीं करना। आप मनुष्य हो, और मनुष्य शब्द की परिभाषा होती है जो विवेकवान है। आप पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल हो, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस में गए हो, तो अपने जीवन के लिए जब मार्ग चुनते हो क्या कहीं भी चल देते हो? नहीं, हम हमेशा पहले परखते हैं, जांच करते हैं। तो फिर गुरु सत्ता के पास जाने से पूर्व हम कभी परख क्यों नहीं करते, जांच क्यों नहीं करते? गुकारश्चांधकारो हि रुकारस्तेजो उच्यते अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरु रेव न संशयः। गुरु है कौन जो आपके अंधकार को दूर कर प्रकाश कर दे? वो गुरु है। गुरु संसार की चीजें नहीं देता, वो आपको संसार को बनाने वाला करतार यहां दिव्य दृष्टि खोल कर दिखा देता है। सज्जनों, इस समाज में बहुत से गुरु हैं, हम कई के पास गए हैं और कईयों के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारी यात्रा विराम कहां पाएगी? हम ये पूछना चाहते हैं अपने आराध्य देव भगवान शिव से। चलिए भगवान शिव से आग्रह करते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि जब हम गुरु की खोज में निकलेंगे हमारे मार्ग में कौन आएगा और हमें कहां तक पहुंचना है। प्रभु हमारा पथ प्रशस्त कीजिए। जग कल्याण हेतु गुरु तत्व रहस्य उजागर करते हैं, बिन गुरु धार नहीं जीवन का यह सत्य प्रमाणित करते हैं।
वही बुद्धिमान जो तत्वनिष्ठ सदगुरु शरण में जाए। गुरु गीता का यह सार स्वयं हमें महादेव बतलाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, जिस समय इंसान भगवान की खोज में निकलता है उसे मार्ग में सूचक गुरु मिलते हैं। सूचक गुरु यानी जो वर्ण और अक्षरों को सिद्ध कर चुके हैं, जिन्हें लौकिक शास्त्रों का अभ्यास है, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ लिया है, वो गुरु कहलाते हैं सूचक गुरु। आगे भगवान शिव अन्य गुरु की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? वर्णाश्रमोचिताम्बे क्या धर्माधर्म विधायिनी प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचक पार्वती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, हो सकता है मानव की भेंट वाचक गुरु से हो जाए। जो वचन देते हैं, जो मुख से कथा कहानियां कहते हैं, जो मुख से सत्संग सुनाते हैं, क्या इन गुरु के पास जाने से पूर्ण कल्याण हो जाएगा? क्या केवल कथा कहानियों को सुन लेने मात्र से, राम की कहानी कृष्ण की कहानी सुन लेने से क्या राम को जान जाओगे? नहीं। इसलिए भगवान शिव आगे ले जा रहे हैं मां पार्वती को। हे पार्वती, हो सकता है इस यात्रा में तुम्हारी भेंट पंचाक्षरी मंत्रों का उच्चारण करने वाले किसी बोधक गुरु से हो जाए, जो मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें सिखा दे। लेकिन इसे मंत्र नहीं कहते हैं। मंत्र का सही अर्थ होता है जो मन को तंत्र में ला दे, जो मन को कंट्रोल में कर दे। बोधक गुरु केवल बाहरी मंत्रों का उच्चारण करना सिखाएंगे, लेकिन असली मायने में जो मंत्र है वो कोई और देगा, और वो कौन होगा? आगे चलते हैं। वश्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनं निषिद्ध गुरुरित्याहु पण्डितस्तत्त्वदर्शिनः। मोहन, मारण और वशीकरण, किसी को भी हिप्नोटाइज कर लिया, ऐसे गुरु भी मार्ग में मिलेंगे जो केवल इंसान को हिप्नोटाइज करेंगे, और हिप्नोटाइज करके वो उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाएंगे। हे पार्वती, ऐसे गुरु निषिद्ध गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु के पास भी नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। अनित्यमिति निर्देश्य संसारे संकटालयं वे
संसार दुखों का घर है, ये संसार अनित्य है, इस संसार में हम हमेशा नहीं रहने वाले। जो हमें वैराग्य का पाठ सिखाए, संसार नश्वर है, जीवन नश्वर है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे, ऐसे गुरु विहित गुरु हैं। लेकिन ये केवल शब्दों में समझाएंगे, इस संसार में कमल की भांति रहने की युक्ति ये गुरु नहीं दे पाएंगे पार्वती। उसके लिए आगे बढ़ना होगा, और आगे कहाँ जाना होगा? तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती, कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भव रोग निवारणः। तत्त्वमसि इत्यादि शब्दों का ज्ञान देने वाले और समाज में जो इंसान रह रहा है इसके रोगों का निवारण करने वाले भी गुरु होंगे। ऐसे गुरु भी परम गुरु नहीं, कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। योगानंद परमहंस जी का नाम सुना है? बचपन का नाम है मुकुंद। एक बार उनके घर के पास बड़ा शोर मच गया। 105 साल के एक संत आए हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। मुकुंद अपने भाई के साथ पहुंच गए, जाकर देखा मुख पर बड़ा तेज है, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, जटाएं हैं, लोगों का भीड़ लगी हुई है वहां पर। मुकुंद गए, जाकर कुछ देर उनसे आध्यात्मिक चर्चा की, घर आ गए। आकर भाई से कहते हैं, आज मैं एक आध्यात्मिक कब्र का दर्शन करके आया हूं। भाई ने पूछा, आध्यात्मिक कब्र? कहने लगे, हाँ, कभी आपने कब्र को देखा है? ऊपर संगमरमर का पत्थर लगा होता है, लेकिन अंदर क्या होती है? गली सड़ी हड्डियां होती हैं। आज जिस संत से मिलकर आया हूं, बस ऊपर से तेज दिखाई देता है, आध्यात्मिक रूप से वो मृत है, उसके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस संसार के लोगों के रोग दूर कर सकता है, भव रोग दूर करने की क्षमता उसमें नहीं। ऐसे गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। लेकिन हमें यहां भी नहीं रुकना, हे पार्वती, आगे बढ़ना है, और कहां तक पहुंचना है? सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भय वही बुद्धिमान जो तत्वनिष्ठ सतगुरु शरण में जाए है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। वही बुद्धिमान जो तत्वनिष्ठ सतगुरु शरण में जाए है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, परम गुरु जो अज्ञानता का विनाश करते हैं, संदेह का विनाश करते हैं, जो इंसान की सारी नकारात्मकताओं को दूर कर देते हैं, ऐसे गुरु का नाम है परम गुरु। पार्वती से कहते हैं, पार्वती, यही इंसान की अंतिम पड़ाव है। ये गुरु, परम गुरु, ये सभी गुरुओं के राजा हैं, राजा। और जब तक इंसान इन तक नहीं पहुंचता, तब तक वो जीवन के लक्ष्य को भी नहीं पा सकता। परम गुरु ही अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं, भगवान की ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा सकते हैं। और ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर ही एक मानव का, एक शिष्य का कल्याण संभव होता है। पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु,
अगर किसी के जीवन में जिन गुरुओं के आप नाम लिए सूचक वाचक बोधक, अगर पहले से जीवन में ऐसे गुरु हों लेकिन जीवन में परम गुरु ना हो तो क्या किया जाए? भगवान शिव कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, स्व विश्रांति न जानाती पर शांतिं करोति किम्। कि जिसने आपको जीवन में अभी तक ज्ञान नहीं दिया उसका त्याग कर दो, क्योंकि जिसके पास खुद शांति नहीं वो आपको शांति क्या देगा? जिसके पास भगवान नहीं वो आपको भगवान का दर्शन क्या करवाएगा? जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10 करो 20 करो करो 50, लेकिन परफेक्ट मास्टर के पास जाकर ही रुकना। इस समाज की बहुत बड़ी धारणा है ना ये। कई लोगों का प्रश्न है यहां पर भी कि हमने तो पहले से गुरु बनाए हैं, हम गुरु बदल नहीं सकते, पाप लगता है। जरा एक बार शास्त्र खोलकर दिखाइए कि यहां लिखा है कि गुरु बदलते नहीं है, पाप लगता है। एक बार शास्त्र कहते हैं, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक आप कई गुरुओं के पास जाओ, यात्रा करो, प्रश्न करो और उनके पास जाकर भगवान के दर्शन की मांग करो। अगर पाप लगता गुरु के बदलने से तो हमारे भगवान शिव को कहना चाहिए था। उन्होंने कहा, त्याग दो जब तक परम गुरु नहीं मिलता। अगर पाप के भागीदार बनते तो बनते विवेकानंद। कई गुरुओं के पास गए लेकिन यात्रा ने विराम पाया कहां पर? रामकृष्ण परमहंस के पास, क्योंकि उसी समय अंतर्घट में ये द्वार खुला और भगवान का दर्शन हो गया। अगर पाप ही लगता तो स्वामी दयानंद सरस्वती को लगता। मूल शंकर के रूप में कितने गुरुओं के पास गए, मठों में गए, कहीं भगवान नहीं मिला। 14 वर्ष गुरु की खोज करते रहे लेकिन वो परम गुरु नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब वो झूठे गुरुओं के पास बैठे रहते? नहीं, उन्होंने अपनी यात्रा को थमने नहीं दिया। रियल सीकर्स ऑफ गॉड डू नॉट सेटल फॉर इवन अ पेनी लेस देन गॉड। जिसको भगवान की इच्छा है ना, वो बिना भगवान के कहीं रुकने वाला नहीं है। जिसे संसार चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, वो कहीं भी रुक जाता है। हम ये चाहते हैं कि आप भगवान को पाने के लिए निकलो। अगर आप सच्चे खोजी हो तो आपको सच्चा संत अवश्य मिलेगा। लोग हार जाते हैं, कहते हैं जी सारे झूठे हैं, सच्चा है कौन? एक बात बताइए, नकल किसकी बनती है? किसकी नकल बनती है? नकली नोट आता है मार्केट में, उससे पहले असली आता है या सीधा नकली आ जाता है? बताइए, किसी ने 300 रुपए का नकली नोट देखा है आज तक? 300 का किसी ने नकली नोट देखा है? नहीं। 100 का देखा है? 100 का देखा है। क्यों? क्योंकि 100 का असली था इसलिए नकल बनी, राइट? क्योंकि इस समाज में सच्चे संत हैं इसलिए झूठे भी बन गए, नकल भी बन गई। हमें नकली के पास नहीं जाना, हमें सच्चे वाले को तलाश करना है और जीवन वहां अर्पित करना है। आप सब जो भगवान से इतना प्यार करते हो, इतना स्नेह करते हो, बस इतनी आशा रखती हूँ कि जिसकी पूजा करते हो उसकी आज्ञा भी मानोगे, जिसे परम पिता कहते हो उसके आदेश का भी पालन करोगे और अपने जीवन को वैकुंठ बना लोगे जहाँ साक्षात नारायण विराजमान होते हों। ऐसे गुरु की खोज करो जो आपके भगवान से, आपके नारायण से, आपके हरि से आपको जोड़ दे। जब हरि जीवन में आएंगे, जब भगवान जीवन में आएंगे, ज्ञान का प्रकाश आएगा सज्जनों, तब इंसान के भीतर बदलाव आएगा। और केवल इंसान के भीतर नहीं, फिर समाज में भी बदलाव आता नजर आएगा। महाक्रांति का महाबिगुल दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने बजा दिया है और इसके माध्यम से वे संपूर्ण समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संतुलन प्रकल्प के बारे में। नन्नी नन्नी बच्चियां माँ के गर्भ में मारी जाती हैं, घर के अंदर
नर और नारी में एक भेद है, नारी को वो सम्मान नहीं, वो दर्जा नहीं घर में। वो भेद कैसे मिटे, समाज में संतुलन कैसे लाया जाए, इसका माध्यम केवल ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान के प्रकाश में नारी अपनी शक्तियों को जान जाएगी और उसी ज्ञान के प्रकाश में नर भी ये समझ जाएगा कि समाज रूपी पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत है, नर और नारी। दोनों के अथक प्रयासों से ही समाज उन्नति करता है और दोनों को मिलकर ही उड़ान भरनी होगी। नर और नारी के बीच जो भेद है, इसे केवल ज्ञान का प्रकाश खत्म कर सकता है। आवाहन है आप सभी का, आओ ज्ञान के प्रकाश में इस परिवर्तन को खुद महसूस करें और समाज को भी बदलकर सुंदर बना दें, रहने योग्य बना दें। महाक्रांति का महाबिगुल दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने बजा दिया है और इसी की धुन है संतुलन प्रकल्प। अमावस्या की घोर निशा में नया सवेरा आया है, नया सवेरा आया है। महाक्रांति का आशुतोष ने महाबिगुल बजाया है। महाक्रांति का महाबिगुल, 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 महाक्रांति का महाबिगुल शोषित नारी को किया दरवाजे का पायदान और कहीं नाम अबला का दिया। किया संतुलन नर नारी में जगा के सोई शक्ति को, किया संतुलन नर नारी में जगा के सोई शक्ति को। है दुर्गा स्वरूपिणी नारी दिखा दिया हर व्यक्ति को। नारी ने खोई गरिमा को, नारी ने खोई गरिमा को, सतगुरु कृपा से पाया है, सतगुरु कृपा से पाया है। महाक्रांति का आशुतोष ने महाबिगुल बजाया है। महाक्रांति का महाबिगुल, महाक्रांति का महाबिगुल है, 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 महाक्रांति का महाबिगुल है। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। थोड़ा और प्रयास करें, आज तो विवाह था। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय, सांवरिया सरकार की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, दिव्य गुरु श्री
श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आरती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, मैं सबसे पहले हमारे अतिथिगण श्रीमान संतोष गंगवार जी, जो इस क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारी सभा में आए हम दिव्य ज्योति जागृति और बरेली की इस जनता की ओर से आपका भावभीना स्वागत करते हैं। आप कृपया आगे आइए आरती के लिए। श्रीमान भगवत शरण गंगवार जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपसे निवेदन है, कृपया आप भी आगे आइए। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, श्रीमान राजू खंडेलवाल जी, श्रीमान प्रदीप खंडेलवाल जी, कृपया आगे आएँ। श्रीमान गुलशन आनंद जी बरेली, डॉक्टर विनोद पागरानी जी खुशलोक हॉस्पिटल से, श्रीमान हरीश भट्ट जी अकाउंट्स ऑफिसर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से, कृपया आप भी आगे। श्रीमान रामदयाल मोहता जी, श्रीमान राजेश मौर्या जी पीआरओ सांसद आमला, श्री बसंत कुमार पोद्दार जी, कृपया आप भी आरती के लिए आ गए हैं। श्रीमान प्रमोद साहू जी, श्रीमान गोपाल यादव जी, श्रीमान सुनील कुमार प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, श्रीमान चंद्रसेन गंगवार जी, श्रीमान अशोक चौधरी जी, श्रीमान नीरज गर्ग जी, श्रीमान संजीव अग्रवाल जी, अग्रवाल स्टोर जनकपुरी, श्रीमान डॉक्टर ललित सिंह जी, डॉक्टर कैलाश चंद्र पाठक जी प्रधानाचार्य जय नारायण इंटर कॉलेज बरेली, श्रीमान राजकुमार अग्रवाल जी, कृपया आप सभी आ गए हैं। ये हमारे अतिथिगण, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आभार है कि आप यहाँ अपना समय दिया है। और इसके बाद हमारे जजमान इस कथा के हमारे से सम्मान सम्माननीय श्रीमान सुमित कुमार गंगवार जी, सुधीर शर्मा जी, नरेंद्र कुमार वर्मा जी, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ जजमानों के, अपनी पत्नी सहित कृपया आगे आएँ। निशांत चौधरी जी, श्रीमान मुदित मिश्रा जी, लाखन सिंह गंगवार जी, कृष्णा सिंह मर्तोलिया जी, सोमपाल गंगवार जी, उत्सव जजमान धर्म प्रकाश जी, श्रीमान कृष्णपाल गंगवार जी, श्रीमान भूप सिंह जी, दैनिक जजमान सुरेश चंद्र गुप्ता जी, श्रीमान विकास शर्मा जी, मोहिनी गोस्वामी जी, सुरेश कुमार जी, सरदार गुरबाज सिंह अल्पसंख्यक मोर्चा शाहजहांपुर से कोषाध्यक्ष, कृपया आप सभी आगे आएँ। और मैं मंच पर विराजमान संत साधु समाज से प्रार्थना करूंगा कि पावन आरती आप आरंभ कीजिए, और धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट शनि दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहु मैं किसकी स्वामी, शरण कहु मैं किसकी, तुम बिन और न दो प्रभु, बिन और न दूजा आस करो मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्मा,
जय सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि में रहो दया किस विधि में रहो दया तुमको मैं तुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक प्रभु मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको प्रभु का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे बड़े प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश दे दो फिर से
जिया कौन छे तुझ बिन आए जिया कौन छे हाय मेरे प्रभु मुझे तरस दिखा दो मेरे प्रभु मुझे तरस दिखा दो बिन तेरे